नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आ जाने के लिए, धन्यवाद। आज हम टॉपिक ले रहे हैं साउंड का, ध्वनि। हमारे वेदों में कहा गया है कि संसार में सबसे पहले ध्वनि थी, एक बहुत बड़ी आवाज हुई कहीं खाली गहन अंतरिक्ष में, और उस ध्वनि के बाद से बहुत तेजी से एक प्रकाश कौंधा, और उस प्रकाश के कौंधने के बाद, इसे बिग बैंग कहते हैं, बहुत बड़ा सृष्टि का निर्माण हुआ। बहुत सारे सूरज बने, चांद, तारे, बहुत से प्लैनेट्स, ये सब बनते चले गए। 3.14 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा की आयु लेते हैं, और कई बिलियन ईयर्स पहले हमारा ब्रह्मांड बना है। आधा हो चुका है, आधा बचा है। इस दौरान में कई बार सूरज बना है, बिगड़ा है, मिटा है, एक बहुत लंबी साइकिल चली है। इस दौरान में हम पहले बात कर चुके हैं ब्लैक होल की, हमें जान चुके हैं, बात कर चुके हैं कि ब्लैक होल में सब कुछ समाता चला जाता है। अभी भी आप साइंटिफिकली देखेंगे तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में है जो लगातार खाते चले जा रहे हैं। तो एक मानना यह है कि ब्लैक होल किसी समय पूरे ब्रह्मांड को खा जाएगा और एक शून्य बना देगा, जीरो। फिर उसके बाद उसमें इतनी ग्रेविटी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, फिर से ब्लास्ट करेगा, बूम, और फिर से बाहर की ओर उल्टी कर देगा सारी सृष्टि की। फ्रीक्वेंसीज पर काम करने वाले साइंटिस्ट रहे हमारे एडिसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके तहत उन्होंने बताया कि यदि एक लोहे की रॉड को कंपन दिया जाए एक अंधेरे कमरे के अंदर, तो वो जब कांपना शुरू करेगी तो थोड़ी सी कंपन आने पर पता नहीं चलेगा कि कांप रही है कि नहीं, क्योंकि अंधेरे कमरे में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। हम सिर्फ छू कर देख सकते हैं कि वो कांप रही है, उसमें मूवमेंट है। यदि इसी कंपन को 32,000 कांपना प्रति सेकंड के अनुसार लाया जा सकेगा तो आवाज उत्पन्न हो जाएगी, उस कंपन में आवाज स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो हम सुन सकते हैं। हमारे सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, इतना हम सुन सकते हैं। इसके आगे और इसके कम ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, हमारे कान इस प्रकार बने हैं कि सुन ना सके। ऐसा क्यों बना है यह भी बात होगी। जब 40,000 वाइब्रेशन पर सेकंड पर लेकर जाते हैं उस आयरन रॉड को, तो ध्वनि तेज हो जाती है। हम उसको छू के भी देख समझ सकते हैं कि है, और सुन भी सकते हैं। यदि वो 1 मिलियन यानी 10 लाख वाइब्रेशन पर चली जाएगी तो ध्वनि गायब हो जाएगी, ना हम सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, हम सेंसेशन ले ही नहीं सकते। उसमें इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी कि वो लोहे की रॉड हिलेगी ही नहीं। यदि यही फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए तो धीरे धीरे वो लोहे की रॉड लाल होने लगेगी, उसमें चिंगारी, गर्मी, इतनी घर्षण, इतना गर्मी पैदा होने लगेगी कि वो हमें आंखों से लाल दिखने लगेगी, हमारे आंख देखने लायक बन जाएंगे, सुनना बंद हो चुका है। और उसके बाद और अधिक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमें गर्मी महसूस होने लगेगी उसकी, उसमें से हीट बननी शुरू होगी। तो सारा का सारा वाइब्रेशन का खेल है। प्रैक्टिकली एक वाइब्रेशन की गति कितनी घटाई बढ़ाई जा रही है, हम प्रेम करते हैं क्या वाइब्रेशन से बात करते हैं, गुस्सा करते हैं किस वाइब्रेशन से बात करते हैं, हम छूने सहने लायक फीलिंग उत्पन्न कर रहे हैं, हम गर्मी महसूस करने लायक उत्पन्न कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। नॉनवेज खाने वालों को इजीली पता होगा, श्रिम्प होता है नॉनवेज फूड में, छोटा झींगा कह लीजिए आप, श्रिम्प्स, वेरी टेस्टी वैसे तो, बट एनीवे श्रिम्प जानवर है जो सोनिक वेव्स मारता है मुंह से पानी के अंदर, और वो इतनी तेज मारता है, मान लीजिए ये उसके श्रिम्प के मुंह से वेव्स जाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये वेव इधर प्रेशर मारता है पानी पर, इधर से उल्टा प्रेशर आता है, फिर प्रेशर मारता है ये इधर, फिर ये उल्टा प्रेशर आता है, ऐसे प्रेशर बनता बढ़ता बनता घर्षण होता है। सूर्य से 50,000 गुना, इतने केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है, इतनी टेम्परेचर 1 पिको सेकंड, 100 पिको सेकंड के लिए पैदा होती है, पिको सेकंड्स, 0.9 बार 0 और 10वें हिस्से पे 1 सेकंड का इतना वा हिस्सा, इसे 100 पिको सेकंड्स कहते हैं, ये मेजरमेंट है। इतने दौरान में इतनी तेज गर्मी पैदा होती है जो 50,000 गुना ज्यादा गर्म, सिर्फ ध्वनि है ये साउंड मारता है वो, और जो भी उसका प्रे होता है, जिसको खाना होता है उसने, वो उसके जाल में आता मर जाता है। और इतने सेकंड के लिए मात्र
थोड़ी सी लाइट ऑन होती है चिंगारी, जो हम विजुअल आई से देख नहीं सकते, इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा देखा जाता है, ऐसे लेंसेज है, कैमराज है। तो आप सोचिए, सिर्फ वो फूंक मारता है, अपने पेय को मार देता है, वो जान से मर जाता है उस इलेक्ट्रिक शॉक में, और वो उसे खा जाता है, और उतनी दौरान में ये भी होता है। यानी ध्वनि से गर्मी भी पैदा होती है और ध्वनि से ही आग। तो सोचिए ध्वनि कितनी इंपॉर्टेंट है। इसे नाद कहा जाता है। नाद मींस एक ऐसी वॉयस जो नहीं है, अनाहत नाद, ये वॉयस ऑफ गॉड कही जाती है, दैट इज साइलेंस, साइलेंस की आवाज। साइलेंस में क्या आवाज होती है ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज साइलेंस, साइलेंस कहां होता है, आवाज कहां होती है। पुराने काल में हम ये सुनते आए कि ऋषि मुनि होते थे, दुर्गा थे, उन्होंने शंकर जी को भी श्राप दे दिया था, शंकर जी थे उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था, मतलब मुंह से बोल क्या दिया बात सच हो गई। विश्वामित्र श्राप वरदान देते थे, वशिष्ठ ऋषि जो बोल दिया वो तटस्थ तथास्तु कहते थे, हो गया। कितनी कमाल की बात है, बस मुंह से वर्ड निकाला है, काम हो गया। कैसा पॉसिबल है? अगर आप ध्यान देंगे, आप सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार ऐसा हुआ है कि यार ये बोला और हो गया, कहते सरस्वती आ गई मुंह में, यार ये कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार हमसे गलती से हो गया। जो ये ऋषि मुनि थे ये जानते थे इस चमत्कार को किया कैसे जाए, इनको ये टेक्नोलॉजी पता थी, बड़ी आसान टेक्नोलॉजी है। हम मन में कुछ सोचते हैं और मुंह से कुछ बोलते हैं। अगर मन में हमने चीज सोची और मुंह से बोली, वो दोनों सेम है, तो वो श्राप या वरदान बन जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम मन में कुछ बोलते हैं और मुंह से कुछ और बोलते हैं, हमारी दोनों आवाज साउंड डिफरेंट वाइब्रेशन पे चलती है। श्राप और वरदान देने की शक्ति हम सब में है, हमें देनी नहीं आती। मान लो किसी से नाराज हो गए, बच्चे से नाराज हो गए, पेरेंट्स से बच्चा नाराज हो गया, वो कहता है मरी जाओ इससे, तो तुम मन में क्रोध के कारण, गुस्से में ऐसे ही होता है, पर साथ साथ फियर चलता है, हाय अंदर अलग बात हो रही है, बाहर कुछ और हो रहा है, ना वो श्राप बनता ना वरदान। फिर हम कहते हैं हे भगवान, तुझसे प्रार्थना कर करके मर गए, कुछ देता क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर हम कुछ और कर रहे होते हैं और आवाज जबान से कुछ और निकल रहा होता है। ये ऑथेंटिसिटी, सत्यता। अगर हम सत्यता पर हैं, इसे पागल होना कहते हैं। यदि हम सत्यता पर हैं, पागल हैं, और हम किसी चीज के लिए भी जेन्युइनली वैसा ही फॉलो करते हैं, फील करते हैं, बोलते हैं जैसा हमारे अंदर थॉट आया, तो वो श्राप या वरदान बन जाता है। ये साउंड की पावर है। अगर हमें सही तरीके से साउंड करनी आ जाए, तो हम सब में ये शक्ति आ जाए, हम बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ी दुविधा सेट कर सकते हैं। कैसे? सत्यता। सत्यता मींस जब हम प्रेम में है, सिर्फ प्रेम में, नो इफ नो बट। जब कमाई कर रहे हैं, मानो लालच कर रहे हैं, लालच से कमाई कर रहे हैं, किसी को लूट खसूटने का इच्छा है, तो जेन्युइनली लूटे खसूटेंगे, 1% भी दया नहीं करेंगे, 1% भी ये नहीं सोचेंगे गलत बात अच्छी बात गंदा कर्म उसका क्या होगा, नो रिग्रेट्स। इतने सत्य पर है कि हमारे अंदर मन में भी वही है जो बाहर है। हमारे जीवन में ऐसे क्षण रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी नहीं आते, हम अंदर कुछ सोचते हैं, अंदर तो हम सपनों में होते हैं सारे टाइम, 24 आवर्स सपने, और मुंह से हम कहां होते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कॉन्शियस लाइफ, ये वेकिंग स्टेज जिसमें आंखें खुली हैं हम कुछ कर रहे हैं, और सब कॉन्शियस जिसमें आंखें बंद होके भी चलता है कुछ और चल रहा है। आप मेरे साथ बैठे हैं, 10 मिनट भी लगातार आप मेरे साथ नहीं है, आप 6.25 मिनट बाद कुछ और थोड़ी देर के लिए उड़ जाते हैं, फिर आप 6.5 मिनट में फिर वापिस आते हैं। यह होता है। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। कब? जब गुरु ने तो बकवास करी और चेले ने सारी बकवास पी ली, तो गुरु को खुद नहीं पता बकवास क्या करी, चेले को सब पता है। वो सिद्ध हो जाएगा, गुरु रह जाएगा। माता पिता बच्चे को सिखाते हैं, टीचर बच्चे को सिखाता है, टीचर टीचर रह जाता है, बच्चे कहीं और पहुंच जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार मेरे सिखाए लोग हैं, भाई मेरे से पूछते थे, मैं राय देता था, जब देता था राय तो ऐसे देता था, अब मेरा क्या जाएगा, कूद जा, उसने फॉलो कर लिया। जब अपने लिए अप्लाई की तो सोचा कोई लुट तो नहीं जाऊंगा, काम नहीं हुआ। इंटरव्यू देने गए, पास होकर राजी नहीं, लोगों को राय देते वो पास हो जाते। हमारे अंदर की और हमारे बाहर की ये साउंड की फ्रीक्वेंसीज जब बदलती हैं, तो कमाल का अग्नि का चक्र घूमता है। सब डिटेलिंग होगी अभी।
इस कारण से हमारे जबान से कही बात सिद्ध नहीं होती। अब आप मन में सोचेंगे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना इतना छोटा सा आंसर, ऐसे होता है कोई? ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई बात नहीं। एक बार एक बंदे को बहुत बड़ा मकान लॉटरी में निकल आया, वो घर के बाहर गया, बोला हाँ इतना बड़ा, उसकी गर्दन में दर्द हो गया ऊपर उठा के देखने में, बोला ये घर। फिर उसने कहा घूम के जाना है, घूमने को कौन घूमे इतना बड़ा घर, साइकिल ले ली, साइकिल लेके उसकी परिक्रमा की टांगे थक गई, बोले इतना बड़ा घर। लॉटरी वालों ने कहा जी ये आपके लिए इसकी चाबी, बोले इतनी सी चाबी, बोले पागल है भाई, इतना बड़ा घर है छोटी सी चाबी कैसे हो सकता है यार, कुछ बड़ा सा कुछ होता, कोई लंबे चौड़े चार पांच आदमी आते और कुछ खोलते खालते, ऐसे कैसे इसी से बंद इसी से खुलना पॉसिबल ही नहीं है। अपने जीवन में हम यही करते हैं, इतनी बड़ी समस्या है, इतना सा आंसर, पहले तो आंसर ही पसंद नहीं आता, कहते नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये बताने वाला भी पागल है, अभी बाल सफेद नहीं हुए ना पूरे प्रॉपर, जो थोड़े बहुत थे वो भी कलर करा लिए। सॉल्यूशन बहुत बड़ी बड़ी चाहिए तो हम क्या करते हैं, दे डिस्कशन पे डिस्कशन। सारी दुनिया में पोस्टमैन बन गए, पहले तो सारी दुनिया में चिट्ठी बांट दी, मुझे ये करना, मुझे भाई ऐसा करने का है, ये बिजनेस चलाना है और अब मैंने अरबपति बनना है, करोड़पति। 15 दिन में 1500 बार वो करोड़पति बन चुका होता है, लुट चुका होता है आदमी, क्योंकि एक आदमी के साथ बैठा डिस्कशन किया, कहता है वाह क्या आइडिया यार, कहता है शाबाश। दूसरे के पास जाता है, हाँ भाई ये प्रोग्राम है, दूसरा कहता है ये तो तुमने सोचा नहीं, बोले यार धराशाही हो गया महल मेरा। फिर तीसरे के पास जाता है, वो रास्ता बता देता है दूसरे का, फिर चौथा नई प्रॉब्लम, छठा फिर से रास्ता बताता है पांचवे की प्रॉब्लम का, यही खेल खेल में 15-20 साल बीत जाते हैं जिंदगी के। भाई सॉल्यूशन बताओ इस प्रॉब्लम की, सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप बाहर एक्शन कुछ और कर रहे हो और माइंड में कुछ और, क्या सही है गलत है इसमें मत फंसो, मुंह से बोला या किया वो एक्शन या जो दिमाग में है वो नहीं, जो आपका दोनों में सेम होगा वो 100% सही हो जाएगा, जो दोनों में सेम होगा। ये साउंड एक अंदर चलती है, ये साउंड एक बाहर चलती है, ये साउंड दो जगह चलती है, जब ये साउंड दोनों जगह सेट होगी तो हमारी करेक्शन हो जाएगी, ऑटो करेक्शन, हमें सारा कुछ पल्ले पड़ जाएगा। अक्सर होता है हम अंदर अंदर कुछ कुक कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाहर से मामा जी आके सिखाते हैं बेटा एंज नहीं एंज कर पुत्र, फिर दूसरा आके कहता है बेटा ये तो मामा तो तेरा बेवकूफ है, तू मेरी सुन मैंने तो किया हुआ, तीसरा आके कहता है क्या खाक किया उसने, अपने आप मिला था, तू ऐसे कर। इतनी सारी वाइब्रेशन मिल जाती हैं, कोई 100 हर्ट्ज पे नाच रही है, कोई 1000 पे, कोई 10000 पे, बंदे के अंदर की जो वाइब्रेशन थी ना पहले तो वो गुल, अब ये गांठ बांध लो, अंदर की और बाहर की वाइब्रेशन में इतनी मिक्सिंग है, अंदर और बाहर सेम थॉट नहीं आया वो काम इस जन्म में होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। बिजनेस से हम प्रेम कर रहे हैं पूरा करो, लालच कर रहे हैं जम के करो, लूटना है किसी को दिल से लूटो, आपका एक्शन ऑथेंटिक होना चाहिए, एग्जैक्ट, उसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए, दूसरे की परवाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि आप दूसरे की परवाह करोगे तो आप अपनी परवाह ना करें तभी कर सकते हो, आप अपनी परवाह करेंगे तो आप दूसरे की कैसे करेंगे, हम फंसे रहते हैं तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, सारे खुश रहो, अरे भाई कैसे हो सकता, शेयर मार्केट में पैसे डाले सारे कमा रहे ऐसा कैसे होगा, अरे जब तक कुछ खोएंगे नहीं तो थोड़े लोग कमाएंगे कैसे, कमाई मींस किसी का लॉस, कोई दुखी है तभी तो कोई खुश है, बेचारी मां के लिए कहा जाता है, बेचारी शब्द नहीं है, है वो मान पर शब्द में, बेचारी मां दुख सह सह के सेक्रीफाइस कर करके पागल हो जाती है तभी तो बच्चे खुश होते हैं, मां बोले नहीं Only my life, my kitty parties, go to hell. बच्चे भाई गड्ढा खोद के खुद को दफना देंगे। जब तक कोई दुखी नहीं हो रहा आप सुखी हो कैसे सकते हैं, अब दूसरा भी दुखी ना हो और हम भी दुखी ना हो यह तब पॉसिबल है जब दूसरा भी सुखी ना हो और हम भी सुखी ना हो, इसलिए सुख को स्ट्राइक आउट,
क्योंकि सुख से मोटिवेटेड जितनी साउंड अंदर चलती है हमारी, वो हमें जीरो से ऊपर उठा देती है। हमारा जीवन सुखी जीरो पे होना है और हम जीरो से भटक कर कहीं और चले जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमारे द्वारा मनन की, विचार की बातें नहीं होती। साउंड की गजब पावर है, गजब। एक सोनिक बूम बॉम्ब होता है, सोनिक बॉम्ब, उसके साथ उसके द्वारा दीवारें गिराई जा सकती हैं। पहाड़ों में गन शॉट चलाइए, बर्फ का पहाड़ पूरा गिर सकता है। साउंड की वाइब्रेशन सोचिए कितनी भयंकर जाती होगी, सिर्फ एक गन शॉट पूरा पहाड़ गिर सकता है, बड़े बड़े पहाड़। साउंड के द्वारा टेक्नोलॉजिकली अल्ट्रासाउंड होता है जो बताता है पेट में पथरी है, कैसे चलती है। हमने वो रीडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट अभी बनाए हैं, अभी आगे वाले बनेंगे। किडनी स्टोन्स गला दिए जाते हैं साउंड से। सोनिक थेरेपी, सोनिक रेडियो रेडार्स के द्वारा पनडुब्बियों का पता चलता है। साउंड के द्वारा अर्जुन को कृष्ण ने गीता बताकर पूरा ज्ञानी बना डाला। ये साउंड है, ये बात है जिसके द्वारा एक टीचर होता है, एक शिष्य होता है और वही शिष्य बाद में पुनः टीचर बनता है। ये साउंड है जिसके द्वारा हम विचार आदान प्रदान करते हैं, जीवन में शिक्षा लेते और देते हैं। ये साउंड का ही फॉर्म है म्यूजिक, जो हमें दिमाग को आनंदित करता है। कैसी विचित्र साउंड होती है कि एक म्यूजिक सुनते हैं हम और दिमाग लहरा जाता है। जो पुराने टाइम के म्यूजिक गाने हैं वो असली वाद्य यंत्र के होते थे, वो दिमाग को आज भी यूं झुलमा देते हैं। आजकल के गाने बनते हैं या पॉप कल्चर के गाने, वो सीधा पैरों पे इंपैक्ट डालते हैं, हमारे पैर नाचने लगते हैं। सोचिए साउंड का कितना गजब का इंपैक्ट है। कोई साउंड दिल पर लगती है, कोई दिमाग पर, कोई पेट में, पैरों पर। किसी से बात करिए प्रेम से, कहीं इंपैक्ट होता है। आप चिंता की बात सुनिए, आपको कहीं और असर महसूस होगा। क्लेश करिए, देखो कहां माथा फटने लगेगा। विचित्र किस्म का साउंड कितनी कमाल तरीके से हमें इफेक्ट डालती है। ये हमें ज्ञानी, मूर्ख, समझदार सब कुछ बना सकती है। इस साउंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि साउंड काम कैसे करती है। साउंड हमारे पांच सेंसेस में वन ऑफ द सेंसेस है। ये हमारे कानों के रास्ते जाती है, ये हाथों से नहीं जाती, नाक से नहीं जाती, मुंह से नहीं, ये कानों के रास्ते जाती है। हम जीवित हैं यानी कि हम कॉन्शियस हैं। हम कॉन्शियस हैं क्योंकि हमारे अंदर जीवित होने का एहसास है, ये कॉन्शियसनेस कहलाया जाता है। कॉन्शियसनेस कभी भी खत्म नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा सदैव जीवित है। आत्मा परमानेंटली बॉडी टू बॉडी चेंज करती है, चलती रहती है, परमानेंट बैटरी। जब हम रात को सोते हैं, छोटे बच्चे की बात नहीं, बड़े हो जाते हैं तो ये डेवलप हो जाता है, छोटे बच्चे भी सुन सकते हैं, जब सोए होते हैं तो एक प्रकार से आधे मरे होते हैं। आधी मरी अवस्था में हमें जगाता है कौन? साउंड। सिर्फ एक ही चीज है जो कभी भी नहीं सोती, ये डायरेक्टली कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। आंखें बंद, सब बंद, साउंड फिर भी चलती है। ब्लाइंड इंसान सिर्फ साउंड के दम पे चलता है। साउंड इज 100% एट द कोर ऑफ आत्मा। आत्मा ने कुछ चाहा और भगवान ने पूरा कर दिया, मींस हमारी साउंड सही काम कर रही है, वाइब्रेशन सही काम कर रही है। आत्मा ने कुछ चाहा और भगवान तक आवाज ही नहीं पहुंच रही, तो हमारे अंदर साउंड गड़बड़ है, कॉन्शियसनेस सही काम नहीं कर रही, हम खाली धक्के खा रहे हैं जिंदगी में। चाह चाह के मर गए, होता ठेंगा भी कुछ नहीं। ये साउंड क्या काम करती है? एक कान बना है हमारा, एक कान होता है, मान लीजिए इस प्रकार कान होता है, यहां से कुछ ध्वनि जाती है। कान की स्ट्रक्चरिंग इस प्रकार होती है कि यहां एक पाइप होता है अंदर, इस पाइप के साथ यहां बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, तीन बोन्स होती हैं, कैनाल्स बने होते हैं, और यहां पर ऐसे स्नेक की शेप में होता है, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। बुढ़ापा आते आते वो बाल वीक होने लगते हैं, इसलिए हमें सुनना कम हो जाता है। फिर हम कहते हैं और तेज बोलो हैं, वो होता क्या है? जब हम बाहर से कुछ सुनते हैं तो ये साउंड वेव आती है, खट 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 सीधा या चल जाती है, छोटा हो जाता है। बच्चों की पीपनी नहीं देखी आपने? पे, ठीक है, वैसे अनकॉइल्ड हो जाता है, फिर कॉइल हो जाता है, अनकॉइल्ड कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, वैसे वैसे ब्रेन में सेंसर्स जाते हैं और सेंसेशन सुन के हम समझते हैं। जब हम अपने आप बोलते हैं, आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए आंसरिंग मशीन में, हेलो मैं ये बोल रहा हूं, जिसका भी फोन है, बाद में बीप के बाद मैसेज भेज दें या जो भी कर दें, फिर आप उसे वापस सुनिए।
आपको भी इतना गंदा बोलता हूँ। ये बात दुनिया में 100 लोग हैं, 100 के 100 पे अप्लाई होती है, खत्म करो, सारी दुनिया के हर एक पे अप्लाई करेगी। इट हैज टू, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हम अपने आप को दो तरीके से सुन रहे हैं। आप बोलेंगे मैं एक तरीके से सुनूंगा, जब मैं बोलूंगा मैं खुद को दो तरीके से सुनूंगा। एक आवाज मेरे गले में से जा रही है, एक मैं अपनी ही आवाज सुन रहा हूं, ये मेरे मुंह से निकली आवाज और ये घूमकर मेरे कान में गई, एक यहीं से ऊपर जा रही है। दो आवाज जा रही है मुझे, मेरी खुद की, हम सबको हमारी खुद की दो आवाज आती है। जैसे ही वो आवाज जाती है हम रिकॉर्ड करते हैं, हेलो अभी घर में कोई नहीं है, दफा हो जाए बाद में कॉल करें। तो हमने जो आवाज सुनी है वो हमारे मेमोरी में जा चुकी, अब वही हम अलग से सुनते हैं तो सिर्फ एक तरफ से आती है। हम कहते हैं ये कौन बोल रहा भाई, इसे तो मैंने पहचाना नहीं, ये तो अलग था। अब वो लड़ाई हो जाती है, कहते हैं नो आई डोंट लाइक इट, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो तो पहले एस्टैब्लिश हो चुका, बोलते बोलते सुन लिया मैंने खुद को, मैंने दूसरे की सुनी, बोलते बोलते खुद की भी सुनी और समझी भी, दूसरे की सुनी शायद समझी नहीं। तभी बड़े लोग कहते ना क्या नलायक है, समझता ही नहीं। हम कहते हैं यार इधर से सुनी इधर से निकल गई, अपनी नहीं निकलती, अपनी दोनों लॉक हो जाती है अंदर। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये ब्रेन बनाया भगवान ने स्पेशली, डिजाइनिंग है। जब जाती है आवाज अंदर तो ये ना यूं जाती है, तीनों बोन्स से होती हुई यहां जाती है। पैसे जी अलग है, बोन्स की रिपलिंग होती है, मूवमेंट होती है और कॉकलिया तक डिफरेंट आवाज जा रही है। जब यहां से जा रही है तो डिफरेंट जा रही है। जो यहां टच कर जाती है ये ब्रेन के एक और सेंटर पे टच होती है जहां इम्प्रिंट्स बनते हैं। यहां से ब्रेन के एक और सेंटर पे जाती है, ये सेंटर ईश्वर से ज्यादा कनेक्टेड होता है, ये सेंटर वीकली कनेक्टेड है। जब हम खुद को राम का नाम सुमिरन कराते हैं तो राम मिलते हैं, जब दूसरे के थ्रू करते हैं तो देर से मिलते हैं। ध्यान से पकड़िए, तो पहले दूसरे से सीखो कि हमें खुद कैसे करना सीखना है। इसके लिए गुरु कर लेना चाहिए, वो ड्राइव करा के पहुंचा देता है, क्योंकि यहां से मैसेज पहुंचता है ईश्वर तक, फिर वो काम होते हैं। तो हम क्या असल में गाना गाते रहते हैं अंदर ही, ये करना है यार, करना है, चाहिए चाहिए चाहिए, ये कौन सा मैसेज है, हाय 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 बेबे की हो या सानू छट के चली गई बेबे, वो हो गया ये रोना पिटना। बिजनेस में भी हाय बर्बाद हो गया, हाय हाय बर्बाद ना हो जाए, इसमें क्या फियर, ये कहां जाता थीटा में, थीटा ब्रेन से मैसेज ऊपर नहीं जाता। ब्रेन गेम्स एंड सक्सेस में थीटा की बात है, हम क्लास कर चुके हैं पहले। तो यहां से सुना साउंड की अलग फ्रिक्वेंसी गई, यहां से बोला गया अलग गई। अपने कानों में भगवान ने हमें सिस्टम, प्रकृति ने हमें सिस्टम करके दिया है कि बेटा अपने अंदर से आवाज लाओ। तुम्हारे अंदर से कौन सी आवाज है उस पर डिपेंड करेगा करेंगे क्या। जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, यहां तक वॉलेट वॉलेट कलर आता है नजर, आयरन रॉड जब गर्म होके इतनी फ्रीक्वेंसी तक चली जाती है साउंड की तो वॉलेट कलर बनता है, दैट इज विबग्योर, पहला ऊपर का चक्र, सातों चक्र में सबसे ऊपर का कलर बनता है। इसके ऊपर अल्ट्रा वॉलेट एंड अदर्स, और इसी फ्रीक्वेंसी की साउंड को और ऊपर ले जाया जाए, बढ़ती जा रही है तो वो बनता है थॉट। तो जो हम बोलते या सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, जो हमारे दिमाग में थॉट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। बहुत तेज आप बोलेंगे तो आपको धीमा सुनाई देगा, और बहुत भयानक तेज होगा तो आपका कान फट जाएंगे, सुन नहीं सकते। ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज है जो शब्द नहीं मिले अंदर चल रही है। सारा दिन थॉट्स धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, एक ही विचार सारा दिन धमा चौकड़ी मचा रहा है, वो साउंड कितनी भयानक पावरफुल है, उसका नाम थॉट है। ये थॉट और ये बात दोनों सेम होंगे तो हमें वरदान देने की शक्ति आ जाएगी। हमने जो सोच लिया वो हो जाए, या हमने जो कह दिया वो हो जाए, वो कब होगा, जब थॉट की फ्रीक्वेंसी डाउन जाएगी। हमने बोला कितनी बार कि हमें लाइफ के अंदर बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, हमने बोला 100 लोगों को, भाई बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है,
सफल होना है, ये हमने 100 लोगों को बोल दिया, मान लो 1000 को बोल दिया, इसको थॉट कितनी बार कर चुके हैं हम, 385,827 करोड़ बार। इतना बुरा हाल होता है खोपड़ी में। अब ये फ्रीक्वेंसी कहीं और जा रही है, ये कहां चली गई, ये जलंधर पहुंच गई, ये कहां है, तिलक नगर। दोनों में मैचिंग ही नहीं, वो काम ही नहीं होता। फिर ना थोड़े दिनों में वो 100 लोग बोलते हैं ऐवे रौला पाया हुआ। रोता रहता है, बकवास है, आदमी नलायक है। अब उसमें ये वाली साउंड चली गई, फिर उसकी वाइब्रेशन कौन सी आ गई, नहीं मैं नलायक नहीं, मैं नलायक नहीं हूं, मैं इनका मुंह बंद कर दूंगा, मैं अब की बार क्या करूंगा, 2 गाड़ी दूंगा। अब वो ईगो आ गई ना कि मैं इनको नीचा दिखाऊंगा, अब उससे भी गंदे हालात पैदा होंगे, वो सड़क पे धक्के खाएगा। हाँ जी बोलिए। तो जान तो लो भगवान है कितने, जिद्दी एक एप्लीकेशन पानी है, वो है तो हमारे अंदर ही, बस तो पता है हमारे अंदर, तो समझो तो खो गया ना, क्या करेंगे, टॉर्च है आपके पास। देखो भगवान कहीं नहीं खोता, ये एक शब्द कहा गया कि भाई पूछा किसी से कि जी मुझे बहुत डर लगता है मृत्यु आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा क्या होगा, तो आप ध्यान से सोचेंगे तो हम जागृत अवस्था में ही सब कुछ महसूस कर सकते हैं। ये जागी हुई अवस्था है हमारी, एक सोई अवस्था होती है, एक सपने की अवस्था होती है, एक जागी। हम सिर्फ जागे हुए हैं तभी हम जो कुछ कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं। जागते जागते मौत आ ही नहीं सकती, मौत आई मीन्स जब जागे हुए नहीं रहे, जब मरे तो जागे हुए नहीं रहे, तो पता कैसे चलेगा मर गए। अगर हमें पता ही कुछ नहीं चल पा रहा और हो रहा है तो उसका हमें लेना देना क्या, हम मरते कभी नहीं। हम एक बॉडी देख लेते हैं जिसमें उसका मालिक नहीं होता, कहते हैं मर गया। हम क्या करते हैं, घड़ी का सेल वीक होता है, सेल फेंक देते हैं, नया सेल लगा लेते हैं। हम ऐसी घड़ी हैं जो घड़ी खराब हो जाती है, सेल गायब हो जाता है, वो सेल दोबारा कहां जाता है, वो खत्म ही नहीं होता, वो दूसरी घड़ी ढूंढ लेता है समय आने पर, उसका एक स्पेसिफिक मेक होता है। अगर हमने अपने अंदर के उस तत्व को भुला दिया कि हम मरते कभी नहीं, हमें कष्ट कभी नहीं होता, ये शरीर से जुड़ी अटैचमेंट्स हैं जिस कारण हमें कष्ट होता है, जिस कारण हमारे दिमाग में उथल पुथल और थॉट्स आते हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी बात कंपैरिजन, हम कंपैरिजन कर करके मर जाते हैं, उससे भी बड़ी बात ईगो। अब ये चालिया भी होना चाहिए, मजा आता ना, सब कहते हैं ना कि भाई ऐसे होना चाहिए यार, दास दासियां आस पास हो यूं बड़ा हाजिर हुजूर, और बोलिए इससे भी आगे मजा आ जाए, हमने बोला भी नहीं और वो बंदा ले आया, ऐसा हो जाए कितना मजा आता ना, सोच सोच के ऐसे वाले राजा होने चाहिए यार, क्या है यार लुत्फ जिंदगी में, दे हुकुम पे हुकुम, तभी तो ताश की गड्डी में भी हुकुम सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है, ईगो सेटिस्फाई होती है। मैं आपने देखा नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादा ईगो किस में है, आपको पता नहीं, बकरी में, इसलिए कटते हैं सारे बकरे कटकटा जाते हैं, मैं नहीं रहती उनकी, वो बंदे लाते हैं भाई ये बकरा अच्छा लग रहा, बोला मैं, बोला काटो। तो इसलिए इंसान भी जो करता ना, मैं, भगवान कहता काटो, भगवान भी हलाल करके छोड़ता, झटका सिस्टम नहीं उसका, कहता थोड़ा सा छोड़ दो, अब अभी भी मैं बोल रहा थोड़ी और लगा दो, अब टूटी मैं नहीं टूटी, बोले नहीं टूटी, अब कब काटो यार, खत्म करो, बेकार है किसी लायक नहीं, अगले जन्म में फिर धक्के खाएगा। सिंपल सा सिस्टम है उसका, अंदर की साउंड पकड़ो, अंदर के थॉट पकड़ो, सारे थॉट ही तो मैं, तो मर गया, अंदर ज्वालामुखी हो जाएगी। वो सब सिखाऊंगा, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ क्लास का, आएगा भी आपको, आएगा धीरे धीरे। विश्वामित्र ने जब तपस्या की, विश्वामित्र ऋषि थे हमारे, सप्तऋषियों में एक है, वो वशिष्ठ से बहुत क्रोधित हो गए। आपको कथा पता होगी, वशिष्ठ के पास गाय थी जिसने सब कुछ प्रस्तुत किया, कहानी है बड़ी लंबी,
कामधेनु को चुराना चाहा तो वशिष्ठ ने पूरी सेना उड़ा दी। वो हैरान हो गया, यार बिना सेना के मेरी सेना पूरी उड़ा दी। तो जाना योग से होता है, अंदर ये है वो है, इसके पास शक्ति है थॉट और वाणी सेम करने की जो हम बात कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं भी ऋषि बनूंगा। अब था वो राजा, राजसी अय्याशी अंदर पड़ी हुई थी दुनिया भर के, अंदर अंदर थॉट बढ़ते गए, भोगना है भोगना है भोगना है। वो थॉट इतना बढ़ा इतना बढ़ा इतना बढ़ा कि उसने मैनिफेस्टेशन यानी कि बना डाला, विचार ने उसके मेनका को बना डाला। राजसिक इच्छा ऐश की और भोग की उसने दबा रखी थी, उस दबी हुई थॉट ने उसको मेनका लाके दे दी। और उसने किया क्या, साइड में इकट्ठा करता रहा, दबाता रहा योग द्वारा। मानसिक ताकत इतनी भयानक थी कि उसने मैनिफेस्ट कर डाली वो चीज। इसलिए यदि हम पागलों की तरह किसी चीज को दबा बैठते हैं वो हमारे सामने आ जाती है। सारे दबे हुए डर हमारे जीवन में सत्य होते ही हैं। हम सारे जन्म डरते रहते हैं, अंदर अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, बोलते नहीं। ये सीधी सी बात है ना, कल ही मेरी बात हो रही थी किसी से कि लड़के लड़की की शादी होने वाली थी, तो वहां उनको पता चला कि भाई लड़के का पहले का अफेयर था। फिर उन्होंने कन्फर्म कर डाला लड़की वालों ने कि भाई अफेयर तो नहीं था। मैंने कहा शादियां मत ही करो तो अच्छा, क्योंकि लड़की के मन में है अफेयर था या नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं नहीं था। अब था या नहीं था, हमारा ब्रेन इसके आगे हाँ या नहीं नहीं पहचानता। हमारे जीवन में हमारी चॉइस होती है, कभी हमें वही चीज नहीं चाहिए, कभी हमें वही चाहिए। कभी इंसान कहेगा भाड़ में जाए इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी, फिर कुछ दिनों बाद कहता है यार इसी से रास्ता निकलेगा भाई, इस आदमी से मिल ही लो। तो हमारा इंसान सिर्फ ये हमारा दिमाग ये चाह जानता है आदमी, वो आदमी वो आदमी। आप भगवान से हेट करो, गाली बको उसे, कोई फर्क नहीं, नाम ले रहे हो रोज, आप भगवान से कनेक्टेड हो। तो उस लड़की के दिमाग में विचार आ गया कि उसका अफेयर था। ये साक्षात हमारे जीवन में होता है सिर्फ एक बात। एक आदमी को हम सोचते हैं यार चोरी कर सकता है, बार बार सोचते हैं चोरी कर सकता है, कर सकता है, शायद ना करे, नहीं करता है, नहीं करेगा। अब वो कुछ टाइम बाद चोरी करेगा। लड़की सोचती मेरे हस्बैंड का अफेयर तो नहीं है, अफेयर तो नहीं है, ना हो, हे भगवान ना हो, नहीं होना चाहिए, गंदी बात अच्छी बात, थोड़े दिन में अफेयर हो जाता है। वो लड़की करवा देती है पति का अफेयर। ये ध्यान से समझने की चीज है। हाँ ये नौकरी ना छूट जाए, नौकरी ना छूट जाए। चार लोगों को बोलते हैं कैसा चल रहा है जी जॉब, अब बढ़िया चल रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन? बोले अब होगी। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है। कैसे वाले भी रहो, यू शुड बी जेन्युइन। एक थॉट लाना बहुत बड़ी कला है, कि थॉट भी वही और शब्द भी वही। हम खिजे कुढ़े रहते हैं ऑप्टिमिस्टिज्म के नाम पे, नहीं हम पॉजिटिव सोचेंगे, कूट रहे खुद को, अंदर से आग लगी पड़ी है। तो विश्वामित्र ने अपने मन में विचार ले ले करके सारे समय एक मेनका बना डाली, और जो उसके राजसिक इच्छाएं थी भोग की वो पूर्ण हुई, क्योंकि दिमाग में था। दिमाग में चलने वाले जितने थॉट हैं वो सब साउंड है। हमारे दिमाग में जो भी थॉट है वो सब साउंड है, वो सिर्फ बाहर नहीं आती। इसलिए आपके दिमाग में किस फ्रीक्वेंसी पर साउंड चल रही है, क्या वो आपको सुनाई दे रही है, क्या वो हीट बन रही है या लाइट। बहुत ज्यादा साउंड वेव्स चले तो हीट बन जाते हैं, उससे ऊपर साउंड वेव गए तो लाइट प्रकाश बन जाते हैं। जितने सितारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं उन सब में साउंड है। सूर्य की जो मूवमेंट है उसमें वोल्केनिक लावा गिरता है, उठता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, गैसेस बनती है गर्म जो भभक रहा है, और आज धरती पर जीवन है जिसके कारण इतना भयानक, इतना जोरदार साउंड वेव्स है कि उन साउंड वेव्स की वजह से पूरा सूर्य उथल पुथल उथल पुथल, इतनी ज्यादा उथल पुथल के हीट बन गई, हीट बन गई, फायर हो गई। फायर मींस लाइट। सूर्य का जो मुख्य पापा है वो है साउंड। आवाज क्या है सूर्य की? ओम। इस आवाज पे चलता है सूर्य। 20,000 साल पहले हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि सूर्य की आवाज है ओम। आने वाले 50 से 100 साल में ओम रजिस्टर्ड होके हो जाएगा। हमारे हर मंत्र में महामृत्युंजय मंत्र भी ओम से स्टार्ट होता है। ओम होम ओम जुम सह भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वंदनां मृत्युर्मुक्षये मामृतात् भूर्भुवस्वरोम जुम सह होम ओम। ऑल द टाइम वी आर हमिंग, अंदर से सूर्य की हमिंग, ओम ओम ओम। सूर्य क्या कर रहा है? ओम
ओम ओम एनर्जी, एनर्जी मीन्स जीवन, धरती पर जीवन है, इसकी हमिंग, लाइट आ रही है क्योंकि हीट है, हीट है क्योंकि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है क्योंकि साउंड है, हमारे अंदर वाइब्रेशन हुई ओम 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 निश्चित मंत्र शब्द द्वारा, अलग अलग वाइब्रेशन फेंक रहे हैं, मरे बंदे को खड़ा कर देता है ये, महामृत्युंजय मुफ्त में ही नहीं बैठा, ये एक्चुअली खड़ा कर देता है मरते हुए आदमी को, और मर रहा हो और मरना निश्चित हो तो चैन से मारता है, क्योंकि उस वाइब्रेशन का कवच जाता है उसके पास, बार बार ओम रिसाइट हो रहा है कोई भी एक मंत्र, उस फीलिंग से और उस थॉट से, जो थॉट ज्यादा तेज नहीं भाग रहा उतना ही बोला जा रहा है, भगवान का नाम हो, भगवान के नाम पे कोई वीडियो आता है ना उसे देखते हम डिलीट कर देते हैं, ज्यादा थॉट नहीं डालते, सांस चलती रहती भगवान सारे टाइम, कोई और वीडियो आ जाए जो आप समझ सकते हैं इसको रख लो, वो रखा रहता है और असल में क्या होता है ख्यालों में बस खत्म, लाइफ बीत गई, प्रत्यक्ष में वो प्राप्ति होती ही नहीं, क्योंकि हमारा थॉट और वॉइस वाला साउंड ये दोनों अलग चल रहा है, बार बार की हमिंग से अंदर हमारे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने से क्या होगा, फायर, फायर क्या होगा, हमारे जीवन देने वाली शक्ति 72% वाटर, 12% अर्थ, 6% एयर और रेस्ट स्पेस, फायर इज 4%, सिर्फ 4% अग्नि तत्व चाहिए हमें, सूर्य का 4% अंश, ये निकल गया बॉडी ठंडी हो जाती है, टेंशन आ गई, प्रेशर आ गया, बीपी होने लग गया, डाउन हो गया या अप हो गया, फायर तत्व डिस्टर्ब हो गया, या तीन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तीन बन गया या पांच बन गया, ब्लड प्रेशर की तैयारी, हार्ट के ऊपर लोड, ब्रेन में धमाका, बॉडी के अंग पे लोड, जिंदगी का पटाखा, बीमारी का स्वागत है, दवाइयां खाओ, सिर्फ इसके डिसबैलेंस, ओम क्या करता है इसको ऑन, ऑल द टाइम यू आर बबलिंग विद फायर तत्व, दिस फायर एनर्जी ये क्या करती है, आपने कुछ भी काम किया थकते ही नहीं, कई लोग कहते हैं यार थकते क्यों नहीं है, जब आप खूब एक्सरसाइज करके थक गए मींस आपका ये घट गया, बढ़ाओ इसे, नहीं घटा भाई एक्स्ट्रा है तो बबल कर रहा है जाएगा नहीं, हर स्त्री में मां बनने के पश्चात ही ऑन होता है बहुत पावरफुली, सिर्फ थॉट आता है उसके मन में, एक थॉट, मेरा बच्चा और मेरा हिस्सा और मेरा मैं एक और मैं, और उस आनंद में उसकी फायर एनर्जी इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है वो थकती नहीं, एक्स्ट्रा काम करा लो, सारी रात जगा लो, आनंद में अजीब से सच्चिदानंद बॉडी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी वो ऑन हो जाती है उसकी, और धौंकनी की तरह शरीर चलता है, दिमाग थकता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं थकता इसलिए शरीर नहीं थकता, दिमाग क्यों नहीं थकता, क्योंकि एक ही थॉट चल रहा है, 400 थॉट खत्म, बस मेरा बच्चा, आप दिमाग में 1000 थॉट लाइए आप थक के कहेंगे जान ही नहीं है, शरीर तो थक गया, बैंड बज गया, जैसे ही ये गया एनर्जी 4% गई, सख्त लिक्विड और बिल्कुल सरल, इन तीनों को कन्वर्जन करना बंद हो जाएगा, ये आइस है, ये वाटर है और ये एयर है, ये तीनों एक ही रूप है पानी के, पानी ही अकेली चीज है धरती पे जो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, अभी आएगा, इसलिए इसके अंदर थॉट्स रहेंगे ही नहीं ज्यादा, तो आप जो चाह रहे हो मजे में हो रहा है और एक्चुअली आप कुछ चाह ही नहीं रहे हो, 4%, और आप एक्चुअली चाह ही कुछ नहीं रहे, हम सारे टाइम इस फायर को मेंटेन करने में लगे रहते हैं, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, और कुछ लगता है किसी को कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये फायर तत्व हमें सजग रखता है, ये हमारे को इंट्यूशंस देता है, ये हमारा इंटेंट क्लियर करता है, ये हमें लाइफ में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल करता है, ये ईश्वर से कनेक्टिविटी है, ये ही ईश्वर है, यही आत्मा है, जो परम तत्व को जान ले तो परम आत्मा हो जाती है, ये हमारे अंदर बैठा है, और किससे चल रहा है, साउंड, आपके अंदर क्या साउंड चल रही है इससे आपका भविष्य डिसाइड होगा, एक व्यक्ति मरने लगा, हमने पहले बात की है अजामिल की कथा की, यदि ध्यान ना हो तो अजामिल नाम का एक बहुत पापी व्यक्ति था, जिसकी पत्नी ने बेटे का नाम नारायण रख दिया,
कि मरते समय तो नारायण का नाम ले। तो जब वो मरने लगा तो उसके पापों के कारण उसको यमराज के दूत लेने आए, लेकिन वो उन बेटे को बुलाने लगा नारायण नारायण, तो वो दूत पीछे हो गए और विष्णु के दूत आकर के उसे ले गए। ये सत्य है कि हम अपने जीवन में मृत्यु के समय जो लास्ट थॉट लाते हैं, थॉट इज ध्वनि, थॉट इज साउंड, वही अगला जन्म होता है। यह कथा बहुत पॉपुलर है, पुराणों में है हमारे। तो एक व्यक्ति ने कहानी सुन ली, महाराज का भक्त था, रोज सत्संग करता था, बड़ी अच्छे शोरूम थे उसके, शोरूम चलता था, खूब कमाइयां करता था। तो उसने जान लिया भी अंतिम समय में जो शब्द मुंह से निकालोगे या विचार मन में रखोगे वो अगला जन्म होगा। उसने कहा यार पैसा बहुत लूटा लो, मैंने तंग बड़ा किया, ब्याज खाया है, दो चार ने आत्महत्या भी की है, नाजायज कब्जे भी किए हैं, मेरे को तो लेकिन अच्छा जन्म चाहिए। बोले अब मैं अगले जन्म में कहां जाऊं, मैं ना भगवान के पास जाऊंगा। बोला स्वामी जी ने कि होते हैं भगवान, भगवान के धाम जाऊंगा मैं, पाप की ऐसी की तैसी, आखिरी वाला थॉट ले लो अच्छा वाला, वह मजे आ गए यार, पाप करो खूब सारे। तो उसने कहा सबसे अच्छा प्रोग्राम तो यह है, देखो मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूं, मैं उनका आज से नाम चेंज कर देता हूं, एक का नाम हरि रख देता हूं, एक का कान्हा रख देता हूं, या राम रख देता हूं, कृष्ण रख देता हूं। तो बोले कि अब जब वो जीवन चलाए सारा दिन भर यही बोले, हरि कहां हो, राम कहां हो, आजा राम आजा हरि, आदत पड़ गई। बड़ा चलाक, बड़ा खुश, काम धंधा वैसे चलाता रहा, शोरूम बढ़ता रहा उसका, दुकानदारी बहुत बढ़िया चली, सत्संग में जाता रहता था, पाप चलते रहते थे। अब उसने कहा अंतिम बात तो यही लाऊंगा, मरते मरते जान निकलेगी। हमारे मरने का एक सिस्टम होता है, जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने पर पहला मूवमेंट हमारी होती है, सांस अंदर जाता है, धागा स्टार्ट होता है, सिलाई शुरू हो जाती है प्राणमय कोश की। और जब हम मरने लगते हैं तो ये धागा टूटता है, तो आखिरी मूवमेंट होती है सांस आउट, हमारे अंदर से कुछ निकलता है, ऑलवेज वी हैव टू डाई, ऐसे नहीं मर सकते। तो हमारी मृत्यु का ये सिस्टम होता है, तो आखिरी चीज में बाहर जाती है। तो जब मरने लायक उसकी हालत हुई, उसकी सांस फूलने लगी, हॉस्पिटल में डाल दिया गया, बच्चे बड़े थे, खूब कमाई होती थी, नोटों का ढेर होता था, उसके माइंड में एक ही बात, सवाल ही पैदा नहीं होता, ओनली राम एंड हरी, ओनली राम एंड हरी, राम हरी। सोच बच्चों के बारे में रहा, बोलिए रहा, बोला नो प्रॉब्लम, राम और हरी जहां गए मैं भी वहीं जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वामी जी ने कहा अरे सत्य में होता है, ये हमारे विष्णु पुराण में भी है। लगभग मरने का टाइम आ गया, सांस चले उसकी धीरे धीरे, राम हरि राम, सांस जा रही है, धागा ढीला हो रहा है, कट रही है पतंग। तो डॉक्टर ने बोल दिया बच्चों थैंक यू होने वाली है, आ जाओ कंधे लगाने हैं तुम्हें, आखिरी बात कोई करनी है, पिता से दर्शन देने हैं, पैर पकड़ने हैं, पूछ लो बेटा। बच्चे आ गए दोनों, उस आदमी ने बच्चों को देखा, बोला बस मुझे दिख रहा है अब यमदूत आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। और वो बच्चों को ये बोलता रहा, राम हरि, मेरे बच्चों ध्यान रखना, मेरे बच्चों मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, राम हरि। करते करते जब आखिरी सांस आने का मौका आया, उसका दिमाग ठनका, वो बोला राम हरि तुम दोनों यहां पर हो, तो शोरूम में कौन है? अब अगले जन्म में वो कहां जाएगा आप खुद सोच सकते हैं। श्रद्धा उसकी क्या बने, अब वो नौकर बने या क्या बने, लेकिन ये पक्का शोरूम में ही होगा वो फंसा हुआ, तख्ती बेंच सोफा कुछ भी बनेगा, अब उसकी लाइफ पेड़ बने और पेड़ टुकड़ा काट करके शोरूम में सजा रहा है सारी जिंदगी, अब उसे शोरूम बनना पड़ेगा। हमारा अंतिम थॉट क्या है, किसी से अलग होते, किसी से प्रेम करते, उसी से आगे गाड़ी चलेगी। हमारे थॉट की वाइब्रेशन ही अग्नि देगी, वही फायर तत्व है, वही मैं हूं, वही ईश्वर है। ये बात सब जानते हैं कि हम सबको जो जीवन देता है वो सूर्य देता है। सूर्य से धरती पर कुछ ऐसा होता है जिससे एक छोटा सा सीड पौधा बन जाता है, और उसमें ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं कि हम खाते हैं और खाने से हमारे शरीर बन जाता है। तो हम जीवन लेते हैं सूर्य से, हम डायरेक्टली सूर्य को खाते हैं। हमारे दिमाग में एक एरिया होता है मेडुला ओब्लोंगाटा, वहां से हम डायरेक्ट सनलाइट को भी खाते हैं, बट ये साधु और सिद्ध लोग ज्यादा कर पाते हैं। ये ऊर्जा अपने अंदर से बनती है, सूर्य से कनेक्टिविटी एंड इत्यादि इत्यादि।
जो सूर्य है वो एक प्रकार से प्योरली हाइड्रोजन है। अगर हम नाम पे लेके चलें तो कॉमन चीजें कहां है, कैसी हैं, सूर्य इज हाइड्रोजन, 90% हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन कुछ विचित्र सी चीज, केमिकल फॉर्म में हाइड्रोजन H लिखा जाता है। जो अंतरिक्ष है, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, स्पेस, उसमें 70% हाइड्रोजन है, बाकी अलग अलग है, मीथेन है एंड इत्यादि एंड सोमन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है वगैरह वगैरह। 70% हाइड्रोजन है मेजरली मुख्य, इतनी ही हाइड्रोजन H2O में है, पानी। पानी का केमिकल फॉर्मूला है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उतना ही हाइड्रोजन पानी में भी है। यानी पानी कुछ ऐसा चीज है जो ब्रह्मांड ही है। जिस जगह जीवन होता है वह पानी होना बहुत जरूरी है, अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं हो सकता। यानी कि अंतरिक्ष में सब शक्तियों का मिश्रण होने के बाद जीवन होना मतलब है, उसके लिए पानी चाहिए। हमारे जीवन में क्या चीज है ना, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, चीजें हैं, प्यार है, शांति है, पैसा है, उसके पीछे भी पानी है। बात पकड़ में आई दोनों? ब्रह्मांड है, खूब सारे सितारे चमक रहे हैं, बहुत बड़ा खाली एरिया है, सूरज, चंदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पर किसी एक खास जगह पे ही जीवन है। जीवन हमारे यहां जीवन है, मंगल पर नहीं है। जहां जहां नहीं है वहां पर पानी नहीं है। तो अगर संसार में ब्रह्मांड की सब चीजों से कुछ है वाली चीज बनती है तो सिर्फ इसलिए बनती है जब पानी है। अगर हमारे पास सब कुछ अगर है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास रिक्शे वाले के पास नहीं है, हमारे पास अगर है, एक के पास है मकान, एक के पास बंगला नहीं है, जिसके पास है उसके पास पानी का कुछ है। पकड़ में आई चीज? बहुत बढ़िया। हम सबकी बॉडी पानी से बनी है, हम सब में 72% पानी है, ये सब मिलता है, हम सबकी बॉडी भी इसी से बनी है। अगर हमारे शरीर में पानी के अंदर उस प्रकार की मैनिफेस्टेशन की ताकत है जैसे धरती के पानी में यह ताकत है कि वो जीवन लाए, अगर हमारे अंदर के पानी में ऐसी ताकत है, तरलता है हमारे अंदर, तरल तत्व, हम लिक्विड है एक्चुअली। आप खूब रनिंग करिए ट्रेडमिल पर, आपका 1-2 किलो वजन गिर जाएगा उसी टाइम पानी के लॉस से, फिर आप पानी पी लो वापिस हो जाएगा। आप पानी डालो पेड़ पर, जमीन में डाला पानी ऊपर चढ़ जाता है, अकेली चीज जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऊपर चढ़ जाता है। पानी कैन क्लाइंब, पानी कैन गो डाउन, पानी कैन फ्लोट, पानी जम सकता है, पानी हवा में चला जाता है। पेड़ पौधे जमीन में लगा के भूल जाओ, पानी मत दो, हवा से खींच लेते हैं पानी। अगर पानी मिल रहा है किसी भी फॉर्म में तो जीवन है। अगर हमारे थॉट्स को पानी मिल रहा है तो वो थॉट की चीज भी सत्य में हो जाएगी। आ रहा है कुछ कुछ, पहुंच रहे हैं? हमारे थॉट को पानी कैसे मिले ताकि वो हो जाए? वाह, हमारे थॉट लॉलीपॉप में फंस जाते हैं, सोच सोच के मजा आ रहा, अच्छा लग रहा है, पानी नहीं मिल रहा, वो पेड़ सूख गया, वो काम ही नहीं होता। 50 साल तक सोचते रहते हैं हाय काश ये हो जाए। पानी देने की टेक्निक क्या है? पकड़ में आ रही चीज? हमारा बॉडी में H2O पानी मेजर, तो हमें देखना क्या है? हाइड्रोजन की पावर। हाइड्रोजन की पावर क्यों देखनी है? ताकि हमारे अंदर का जो पानी का तत्व है, लिक्विड है हमारे अंदर, ये सारा का सारा पावर ले सके सूर्य से। पानी को सूर्य मिल जाए जीवन आ जाता है। मिट्टी में चीज डालिए, अंधेरे में रखिए, पानी दीजिए, नहीं पैदा होगी। सूरज मिल जाए, हवा से पानी खींच लेगी, पैदा हो जाएगी। पहुंच रहे? गुड। ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं पीएच वैल्यू। पानी में एक पीएच वैल्यू होती है, ये नापी जाती है। पीएच वैल्यू कैसे नापते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पकड़िएगा। दिक्कत हो समझना है, बीच में टोकिएगा, मैं बताऊंगा। हमारे 7 चक्र होते हैं बॉडी में, ये 7 चक्र होते हैं बॉडी में जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सिर से लेकर फंसे होते हैं।
ये हमारे मुख्य एनर्जी चैनल्स हैं, ह्यूमन चक्रास, ह्यूमन मशीन एंड चक्रास की क्लास की हमने, उसकी डिटेलिंग कर रखी है उसमें। ये सात चक्र में हमारे क्या घूमता है, पानी घूमता है। लिक्विड फॉर्म में मैसेजेस जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में मैसेज जाते हैं, यहां से कुछ किया मैसेज, ये ट्रेवल कर गया। कैसे ट्रेवल किया, नर्व से छोटी छोटी, उसमें ट्रेवल कैसे करता, कंडक्शन कैसे होती है। आप पानी में करंट डाल दो, पानी कंडक्ट कर देगा, करंट को इधर से उधर पहुंचा देगा। पानी में विचार डाल दो, उधर पहुंचा देगा। आप फूंक के पानी प्रेम से, ये बताता हूं अभी टेक्निक, दूसरे को पिला दीजिए, वो मैसेज वहां पहुंच जाएगा, आपका थॉट पहुंच जाएगा। आज से 100 साल बाद जब हम मिस्टिक हो जाएंगे, मिस्टिक हमारा 10वां जो अवतार होना है, इसकी कभी बात करेंगे, भविष्य पुराण की बातें हैं ये, कल की अवतार, उस समय तक मनुष्य थॉट ना लिख कर देगा ना बोलकर, अपने आप पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। बहुत प्रेम में रहने वाले दो लोगों की चलती है, अभी भी होती है, कम होती है, चलती है। आजकल तो लड़ मर लेते हैं, पहले बाद में करते हैं टेलीपैथी और प्यार। असल में प्यार होता है सिर्फ एक का, दो नहीं कर सकते, ये डिटेल हमने पहले की है। लड़ाई होती है, तू भी कर, और बोले एक ही कर सकता है तो कर ही नहीं सकते यार, तू भी कर, मैंने सब खो दिया, तूने प्यार नहीं किया, फिर हो गई लड़ाई, चाहिए चाहिए चाहिए, बस मारो लड़ाई। ये पानी के लिए सात चक्र होते हैं हमारे। सबसे ऊपर होता है हमारा एक चक्र, यहां होती है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप किसी भी पानी को लेकर, किसी भी बॉटल्ड पानी, नलके का पानी, बिस्लरी वगैरह वगैरह, कोई पानी, उसको लोके इसमें 3-4 आयोडीन की ड्रॉप्स डालिए। आयोडीन लाल रंग का एक तत्व होता है, जिससे कि इसकी पीएच वैल्यू चेक होती है कि कहां खड़ा होता है, और उसको शेक कीजिए। जब आप उसे हिलाएंगे तो उस पानी में हाइड्रोजन की पावर कितनी है, यानी सूर्य के द्वारा ताकत लेकर चीज को बनाने पनपाने की, जीवन देने की शक्ति कितनी है, यह पावर ऑफ हाइड्रोजन हुई जो सूर्य है, वो कितनी है, उस हिसाब से पानी का रंग बदल जाता है। यदि उसकी पीएच वैल्यू 3 के आसपास है तो लाल रंग हो जाएगा, पानी एक्चुअली लाल रंग का हो जाता है, पानी एक्चुअली ऑरेंज रंग का हो जाता है, येलो हो जाता है, एक कलर एक्स्ट्रा होता है, येलोइश ग्रीन एक एक्स्ट्रा कलर होता है जब टच होने लगता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पानी की पीएच वैल्यू जब 7 पहुंचती है तो ऑप्टिमम होती है, बेस्ट। अल्फा की क्लास जिन्होंने की है, अल्फा की याद होगी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 7 to 14 होती है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी है 7.83 हर्ट्ज, अर्थ मूव करती है 7.83 पर। धरती जब गोल घूमती है तो गोल घूमते घूमते इतना हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी, गड़ 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 ऐसे शेक करती हुई घूम रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। हमारा अल्फा दिमाग जो होता है, जो हमारा एयर तत्व है, जो हमें उसी स्पीड से चलाता है, उसकी भी यही है। हमारा जो ब्लड है, जो खून है, पानी की पावर ऑफ हाइड्रोजन इज 7, हमारा ब्लड जो है उसका पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ब्लड वो है 7.35। ये पीएच वैल्यू है। धीरे धीरे कनेक्ट कीजिएगा। धरती अपने आप को 7.83 रखने के लिए तबाही ले आती है, कुछ भी करती है, 0 पे लाती है, न्यूट्रल और फर्स्ट क्लास चलती रहती है। मतलब लाखों करोड़ों साल में भी धरती ने अपना पथ नहीं बदला, सूर्य ने नहीं बदला, चंद्रमा ने नहीं बदला, सृष्टि चल रही है, जीवन चल रहा है। इतने तटस्थ, इतने ढीठ की तरह धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र चल रहे हैं, जिंदगी बरकरार है। अगर आप ऐसे ढीठ होकर चले, चलना सीख जाएं कि बेकार चीजें झाड़ दें, सुनामी लाएं, अर्थक्वेक लाएं, तबाह करें, खुद को सेट रखें, आप क्या नहीं बना सकते। इसलिए बड़े ही घटिया किस्म के होते हैं सफल लोग, हम उन्हें घटिया कहते हैं, घटिया नहीं, वो ज्ञानी होते हैं, वो झाड़ देते हैं बेकार चीजें, फेंको, दफा करो, जो चीज नहीं मिल रही तबाह फेंको। हम एक ही चीज पकड़ के बैठे रहते हैं, हाय कब, अच्छे दिन कब आएंगे। हमारा पीएच वैल्यू ये, अगर हमारी बॉडी में 7 के पास ये रहता है पानी, पावर ऑफ हाइड्रोजन बेस्ट कहां रहती है, हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र कहां है, उसके ऊपर 3 चक्र है, उसके नीचे 3 चक्र हैं। ऊपर के 3 चक्र में क्या बनता है, आपने क्लासेस की हुई है, थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल, ये बिजली की तरह चलते हैं, इलेक्ट्रिकल। इसकी क्लास डिटेल नहीं कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट, लेकिन ये आज की क्लास समझाने के लिए, पहले की क्लासेस आपको रेफर करनी पड़ेंगी तब समझ आएगा।
ये मैग्नेटिक, ये इमोशंस, ये राइट साइड ऑफ ब्रेन है या लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, इन दोनों का यूनियन होता है यहां। यहां कहां होता है? सुषुम्न नाड़ी। सुषुम्न नाड़ी में क्या होता है? जहां से कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, इससे क्या होता है? पाइनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी सेट काम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ठीक। बीमार पड़ के तो दिखाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, शक्ति समाप्ति नहीं होगी, ऊर्जा प्रवाहित होती है, पैरों में आके गिरती है लक्ष्मी। बहुत शॉर्ट शॉर्ट में सारी बात हुई है, पहले क्लासेस हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, नहीं समझा बताइएगा। इलेक्ट्रिकल, पानी में चिंगारी की आवाज में चिंगारी होती है, आप बोल के कुछ भी करा सकते हैं, प्रेम भी कुछ भी। इलेक्ट्रिकल, ये थॉट से सारा ये साउंड है, अंदर मन में चलने वाली साउंड थॉट्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बोले जाने वाली फ्रीक्वेंसी से भी ऊंची, जिस थॉट की वजह से एक इमोशन बनती है। हम कुछ सोचते हैं, फिर हमें एक इमोशन आता है, ऐसा सोचा, फिर उस हिसाब से हम रोते धोते हैं, अच्छा करते हैं। कोई व्यक्ति मर गया, मर गया, अच्छा देखा मर गया, अब बेचारा है यार, मर गए, अब क्या करना है? सारे इकट्ठा हुए, चलो यार पहले ड्रेस पहन लेते हैं, इस हिसाब से सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया, फटाफट साड़ियां लपेट ली हल्के रंग की जैसे लेडीज ने, या सूट पहन लिए, मरने की प्रिपरेशन, ये थॉट आ गया। अब इतनी देर जब तक डेड बॉडी पड़ी है, सब ना थोड़ा बहुत रो पिट के चले गए, आ गए, फिर जैसे ही इकट्ठा हुए, बटन ऑन कर दिया इमोशन का, हाय क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है जी। ऐसे इमोशन स्टार्ट होता है, थॉट के बाद इमोशन। कोई कोई व्यक्ति है जो इन दोनों को जीता है, जो जिसे क्लोज हो, जुड़ा हो, प्रेम हो जिसे, वो क्या लाता है? फीलिंग्स, उसमें फीलिंग आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट होता है पानी में, पानी ऊपर चढ़ जाता है, चुंबक है, मैग्नेट क्या करता है? किसी को खींचता है अपनी तरफ, किसी को रिपेल भी करता है। सही नहीं होगा पानी, अगर सही नहीं हुआ, ताकत नहीं हुई, खराब हो गया, जैसे माइक्रोवेव का पानी, वो मार देता है, दैट इज किलर। माइक्रोवेव का पानी आप पौधे में डालिए, 10 दिन 15 दिन के अंदर मर जाएगा, उसकी पीएच वैल्यू खत्म हो जाती है, वो जीवन नहीं दे सकता, वो मर चुका है। इसलिए माइक्रोवेव का खाना खाने वाला पूरा अमेरिका कैंसर से ग्रस्त है। आपका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं यहां से, किस स्पीड से जाती हैं यहां से वेव्स, किसी को याद हो? 64.64 क्वाड्रिलियन लाइट ईयर्स की स्पीड से, पकड़ में आया? हमारे गैलेक्सी से बाहर पीडीए गैलेक्सी है, जहां तक लाइट को पहुंचने में 432 साल लगेंगे, सूर्य से लाइट धरती पर 8 सेकंड में आ जाती है, और वहां हमारा थॉट, हमारा विचार कितनी देर में पहुंच रहा है हार्ट से? 1 सेकंड के ढाई हिस्से में। ये सोच लिया, ये सूरज सोच लिया, चांद सोच लिया, कुछ भी सोच सकते हैं 1 सेकंड में, फील कर सकते हैं उससे भी तेज स्पीड से। जब फीलिंग आई, मरे हुए लोग इकट्ठा हुए, मरे हुए लोगों के बीच इकट्ठे, रोना शुरू धाड़े मार मार के। जिसमें फीलिंग है वो आखिर तक रोता है, जिसमें इमोशन है वो थोड़ा रोता है, फिर कहता है, आगे भाई साहब कैसे हैं आप? अच्छा बेटा ठीक है, नौकरी लग गई थी उसकी छूट गई, इतनी देर में कोई रिश्तेदार आता है, अभी तक सीढ़ी में ठीक है, ऊपर आके जैसे ही देखा उसे, फिर फीलिंग ले आए, फिर धाड़े मार के रोना शुरू। कुछ होते हैं थॉट के साथ खड़े हैं, हाँ भाई सब ठीक है, अलग अलग, ये अलग अलग साउंड चल रही है, तीनों साउंड अलग अलग किस्म की हैं। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है पानी की, उस समय में हमारे अंदर बॉडी के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन घट बढ़ रही है। जब डीप इमोशन में होते हैं, हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं, इमोशनल इंसान अक्सर होता है, क्योंकि पावर ऑफ हाइड्रोजन किलर है। क्यों किलर है? क्योंकि इस पावर ऑफ हाइड्रोजन में, जब इस लेवल पर हमारे बॉडी का वाटर काम कर रहा है, हमारा ब्लड गिर रहा है, तो हमारी बॉडी के ब्लड में कैंसर सेल को मारने की शक्ति खत्म हो जाती है। कैंसर सेल्स थ्राइव, पागलों की तरह पॉपुलेशन बढ़ाते हैं इसमें। अगर आप अपने दिमाग से शांत और मस्त हैं, कैंसर नहीं लग जाता इमोशन में हमें, या तो बॉडी को कैंसर हो गया या मन को कैंसर हो गया, क्लेश मच गया बुरी तरह, यार क्या है, घाटा हो गया बिजनेस में, डिप्रेशन चले गए, बर्बाद हो गए, ये रूप चक्र है, ये संसारिक चीजें चाहता है, ये प्रोक्रिएशन चाहता है, यहां ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, बहुत लॉन्ग चली जाएगी, बहुत कट शॉर्ट बता रहा हूं, ये सब की हुई हैं क्लासेस हमने, पहले की बहुत रेफर करनी पड़ेंगे, हम आज के टॉपिक पे चल रहे हैं, उसको मूव नहीं करेंगे, पुराने लोग सब समझेंगे। ये मैग्नेट रिपेल करने लगता है, रिपेल मींस चीजें दूर जाने लगती हैं। जब ये प्रॉपरली पावरफुल चलता है, तो हमारा मैग्नेट अट्रैक्ट करने लगता है। मैग्नेट अट्रैक्ट मींस आप धरती से जो चाह रहे हो मिल जाता है, पर उसके लिए बड़ा सरल होना पड़ता है। हम कैसे चाहते हैं? पागलों की तरह कैसे? सिर्फ थॉट से।
ये थॉट साउंड हैमर करती है दिमाग में घड़ घड़ घड़, और हमारी कॉन्शियसनेस मरने लगती है, मैसेज जाता ही नहीं, ईश्वर सुनता ही नहीं, काम होता ही नहीं। सारा खेल इसका है कि हमने अपने पानी में क्या किया। अब मजे की बात, बॉडी में ये पानी नाच रहा है, इस पानी में ध्वनि होती है। ध्वनि कौन रीड करता है? हमारे कान सुनते हैं। कैसे? पूरी बॉडी में प्रवाहित डांस डांस करते हैं हम। कैसे करते हैं? अलग अलग बॉडी का अंग नाचता है अलग अलग बीट पर। कैसे नाचता है? क्योंकि हमारी बॉडी में स्वरों को पहचानने के लिए यंत्र लगे हुए, यही ये कैसे काम करते हैं, साउंड। ये सुनता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सात स्वर है। ये सातों स्वर यहीं चलते हैं, जिसमें ये वाइब्रेशन होती है वो सिर को घुमाता है ऐसे ऐसे। बड़ी तीखी सुरीली लता मंगेशकर की आवाज होती थी, वो यहां घूमती थी। आजकल भारी भारी आवाज होती है, वो यहां घुमाती है। पैर नाचते हैं, पैर थिरकते हैं। ड्रम बीट्स भारी भारी होंगी, ये चलेगी। सितार की पतली धुन, सुंदर सी वायलिन की आवाज, झनकार करते हुए घुंघरू, वो यहां चलेंगे। ये हायर नोट है, ये लोअर नोट है। ऐसी म्यूजिक की ध्वनियां होती हैं, ऐसी बीट्स स्पेसिफिकली करी जा सकती हैं जो इंसान को सुसाइडल कर दें। आप ट्रांस म्यूजिक सुनिए, आपका मन करेगा मर जाए। लगातार सुनो, एक महीने में आत्महत्या कर लोगे। राग होते थे ये जो पहचानते थे, वो वाणी से शब्द से पत्थर तोड़ देते थे। ये सब नींद भी आने लगती है, मेरा लेक्चर सुन के भी नींद आने लगती है जब यूट्यूब पे देखेंगे। एक्चुअली आती है, मैं सही बता रहा हूँ, एक्चुअली आ जाएगी। मुझे मालूम है, मैं सही बोल रहा हूँ, मजाक के लिए नहीं, थोड़ी देर में यही आ जाएगी। दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन ठुक जाती है कि दिमाग कंफ्यूज होना भी बंद कर देता है। बत्ती गुल, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इतने सारे ब्रेन के पॉइंट्स पर अटैक होता है। देखिए, जब भी हम अपने दिमाग से वो कार्य करते हैं जिस सेक्शन का दिमाग ने काम नहीं किया, वहां दर्द शुरू हो जाता है। दिमाग कहता नहीं, मुझे काम नहीं करना। आपने इस हाथ से बॉडी वजन नहीं उठाया, आप इससे उठाइए नस खिंच जाएगी। इससे उठाते रहते नहीं होगी। जो हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया उसका जैसे इस्तेमाल करेंगे दर्द होगा। मेडिटेट नहीं करते आप, करो, कहेंगे माथा फट गया, बाबा जी के चक्कर में कौन फंसे यार, पहले तो सिर दर्द होता है आंखें ऊपर करते ही। जो रात में थॉट्स आते हैं वो किसी आते, वो ड्रीमिंग स्टेज है। अभी बात होगी उसकी, अभी बताता हूं, साउंड की पूरी बात होगी। ये पीएच लेवल, यानी पानी हमारे जीवन में ऐसे करता है। आप सिर्फ इवियन एक पानी है जो ब्रिटेन में चलता है, ब्रिटिश मिनरल वाटर है, सबसे महंगा पानी है वो। सिर्फ वही एक पानी है जिसका पीएच लेवल 8 है, बाकी सब टैप वाटर का 5 होता है, 6 होता है, 4 होता है, कोई कोई अच्छा है जिसका 7 टच करता है। तो 8 इज टू गुड, 9 इज बेस्ट, 10 इज अमेजिंग। आपकी बॉडी में इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव, दिस गोज फॉर एंटी एजिंग। जिस पानी का पीएच लेवल 3 के नीचे है उसे आप डिटर्जेंट की तरह यूज कर सकते हैं। पानी को ही आयोनाइज करने का होता है तरीका, हम केमिस्ट्री की क्लास में नहीं जा सकते। उसे आप कुछ भी हटा लो, दाग धब्बे हट जाएंगे। आप पानी को 4-5 के बीच में रखो, वो स्किन कंडीशनर और हेयर कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, उसके क्वालिटीज बदल जाती हैं। जो पानी का पीएच वैल्यू आयोनाइजिंग के द्वारा 9 or 10 कर दिया जाता है, वो ऑयल को गला देता है। ऑयल हमेशा पानी के ऊपर रहता है, ये शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन है, ये कक्षा कभी लेंगे हम। वो पानी गायब कर देता है ऑयल को, यानी ऑयल और पानी बिकम्स वन। ऑयल क्या है? पानी के ऊपर रहता है। ऑयल कौन से वाले विचार है जो उस पानी के द्वारा चलने वाले थॉट पे बॉडी में सबसे ऊपर है? वो भी बताता हूं मैं, देखता हूं उसका समय मिला पहुंचेंगे वहां। राजस्थान का पानी वैसे ही चिकनाहट वाला? हाँ जी, पानी भारी होता है, लाइट होता है, ये होती है अलग अलग। हम अभी साउंड पे चलेंगे लेकिन पानी पे नहीं जाएंगे। एलम भी डलता है, बेकिंग सोडा होता है, कई चीजों से होता है। खैर, यानी कि हमारे दिमाग में जितने थॉट्स हैं, बॉडी में थॉट है, कैसे चला? कंडक्शन करता है, कंडक्शन पानी के थ्रू। यानी पानी के ही फॉर्म में चलने वाली नर्व्स, पानी के फॉर्म में चलने वाला ब्लड, पानी के फॉर्म में ही हड्डी, सब पानी का फॉर्म है। ये सारे फॉर्म में घूमने वाले मैसेजेस बॉडी में घूमते हैं सिर्फ जल के द्वारा, वाटर तत्व। पीने वाला पानी पानी नहीं, वो पानी भी बॉडी बन जाता है। आप पीने वाला पानी पियो, वो बॉडी बन जाता है और बॉडी को धो के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है।
पानी के रूप में नाक साफ करते हैं, कान से गंदगी निकलती है, आंखों से, सब लिक्विड फॉर्म है, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, बलगम बनता है, नजला बनता है, कुछ भी मैल निकलता है शरीर से पसीने के तौर, इट इज ऑल पानी धोता है, हमें साफ करता है। सही पानी होगा, अच्छी धुलाई करेगा, गंदगी बाहर आ जाएगी, बॉडी अपने आप स्वस्थ होगी। तो पानी कैसे सेट होगा? विचार से। पानी क्या है? विचार। पूरी बॉडी में चल रहा है, लिक्विड फॉर्म में बॉडी में पानी घूम रहा है। हम कोई कोई थॉट ऐसा करते हैं उसके लिए पागल हो जाते हैं, उसे हम जमाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे थॉट दिमाग में चल रहे हैं और वो थॉट क्या है? साउंड। साउंड क्या करेगी? हीट बनाएगी। हीट क्या करेगी? फायर पे अटैक करेगी। फायर तत्व डिस्प्लेस होगा, हम मारे जाएंगे, वो काम ही नहीं होगा लाइफ में। हमने एक विचार बना लिया और विचार को जमा दिया पागलों की तरह, सोच सोच के चाहिए चाहिए, करना है करके दिखाएंगे, वो क्या हुआ? पानी जम गया। पानी जम गया मींस आइस। पानी एक अकेला तरल पदार्थ है विश्व में, धरती पर, ब्रह्मांड में, जो जमता है तो बढ़ जाता है। एक किलो पानी का एक किलो बर्फ बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा कंटेनर चाहिए। अब हमारे कंटेनर तो फिक्स है, बॉडी फिक्स है ना। अब आपने विचार जमा दिए, वो विचार पूरी बॉडी में नाच रहे हैं, पागल हो रहे हैं, हम झंझोर रहे हैं खुद को, दिन रात दीवाने हो रहे हैं, वो आइस बन गया है। जब वो चीज आइस बन गई, बर्फ बन गई, मान के चलिए जमा हुआ विचार पानी की वजह बर्फ बन गया है, तो क्या बना? थीटा। थीटा ब्रेन इज अर्थ, 12% तत्व, 72% इज डेल्टा ब्रेन लिक्विड फॉर्म, 6% इज एयर जो कहीं भी भाग सकता है इजीली। सिर्फ आइस है जो एक्सपैंड कर गई। पानी का वो तत्व यानी वो विचार जो हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स, नसों में हमारे 72,000 नाड़ियां हैं जो दिखती नहीं। हमने एथरिक बॉडी के टॉपिक में भी ये किया और पीछे भी बात हो चुकी है। उन नसों में फुलाव आ जाता है। वो नसें क्या कहती हैं? कि ज्यादा चाहिए, जगह चाहिए, पकड़ी चीज, एक्सपैंड हो गया ना। अब वहां पानी की आइस फंस गई, वो विचार फंसा हुआ दिल में, दिमाग में, पेट में, सिर में, जैसा वाला थॉट है। यहां फियर होता है, यहां गिल्ट होती है, यहां वरी होती है। जो इंसान वरी करते हैं ना, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, चिंता हो रही है कल क्या होगा, कैसे करेंगे, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, हाय। जो डर रहे हैं उनका पेट साफ ही नहीं होता ढंग से, अपसेटनेस रहती है हमेशा, सेक्सुअल लाइफ अपसेट रहती है, पति पत्नी में क्लेश, टैटे टैटे टैटे, एक्स्ट्रा फियर लगा लो, हाय कैसे करूंगा काम, कैसे होगा जुगाड़, आओ लड़े। सबसे पहले तो पति पत्नी में लड़ाई, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब मींस पति पत्नी, पुरुष स्त्री, प्रेम समाप्त। ग्रीफ, सैडनेस, किसी की सैडनेस फंसी हुई है और वो सैडनेस फंसा के रख दी, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा। ये सब कॉज है। उसका पैंक्रियास डिस्टर्ब होगा जो वरी में चला हुआ है, फियर में, गिल्ट में चला हुआ है, गलती हुई थी, गलती गलती मान के फंसाए रखो, आइस बन जाएगा, उस अंग में जाकर के वो बॉडी पे अटैक करेगा। ध्यान से पकड़ते चलिएगा, और हमारे पावर ऑफ हाइड्रोजन गिरेगी और हम में फलने फूलने की क्षमता खत्म, और धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाएंगे, कैंसर सेल बनेंगे, नहीं तो कैंसर स्वरूप कोई बीमारी बन जाएगी। जैसे ही वो बीमारी बनेगी, आइस फॉर्म में बनी हुई चीज की कंडक्शन नहीं होगी, वो मैसेज ईश्वर तक नहीं जाएगा। ईश्वर कहां है? यहां। ऊपर वाला कहां रहता है? यहां। सबसे ऊपर कौन है हमारा? ये जड़े कहां है हमारी? ये जड़े देखी ना कैसे होती है फैली हुई। किसी का ब्रेन का फोटो देखें आप, दिखेगा कई जगह यूट्यूब इंटरनेट पे, तो जड़ों जैसा है वो। तो जड़े हमारी ऊपर है, यहां ऊपर वाला रहता है, यहीं से जीवन मिलता है हमें। वो जीवन कैसे मिलेगा? मैसेज जा नहीं सकते क्योंकि बर्फ ने फंसा दिया। जिस नाड़ी में, जिस नस में वो बर्फ फंस गई है, आइस फॉर्म में बना हुआ पानी जो अंधाधुंध पागलों वाला थॉट है, वो काम इस जन्म में होगा ही नहीं, क्योंकि वहां साउंड वेव्स खत्म हो गई। साउंड वेव क्या करती हैं? गला देती हैं। साउंड से क्या बनता है? हीट। हीट से क्या बनता है? जीवन। वो चीज होती है, और हमने क्या किया, उस थॉट को इतना कर दिया है, 1,000,000 times की वाइब्रेशन अगर आयरन रॉड को देंगे तो वाइब्रेट करना बंद कर देगी, थोड़ी थोड़ी देर में वो फूक के खत्म हो जाएगी। वो आइस वाटर नहीं बन पाएगी, वो वाष्पित हो जाएगी, गायब। हमारे शरीर में 10 लीटर पानी है, अगर हमारे बनी हुई 1 लीटर आइस गायब हो गई, सीधा पानी बने बिना, या पानी में रहे, या आइस में रहे, या हवा में रहे, अगर 1 लीटर गायब हो गई तो हम कितने रहे? 9 लीटर। फिर हमने सड़ा सड़ा के, जला जला के आइस को सीधा आग बनाया, 8, फिर 7, मौत। कौन सी? सड़ सड़ के गंदी मौत, हमारे इच्छा की मौत, हमारे विचार की मौत।
किसी भी थॉट को आपने अगर पक्का पकड़ लिया है तो उसकी साउंड ऑफ, और वो आपको इतनी हायर पिच पे ले जाएगी कि वो आपको बर्बाद कर देगी। इंटरनल साउंड एंड एक्सटर्नल साउंड। हम कुछ खाना खाते हैं, वो खाना पेट में जाता है, उसकी बॉडी बन जाती है। केला खाया, थोड़ी देर में वो बॉडी बन गया। पराठा खाया, वो बॉडी बन गया। ब्रेड खाई, वो बॉडी बन गई। बॉडी क्या कर रही है, उसे वापस बॉडी का स्वरूप बना रही है। और बचा खुचा कूड़ा करकट, शुशु पट्टी, पसीना, गंदगी, बाहर दफा करो। किसी से कोई बात हुई, राय मिली, वो कहां जा रही है, यहां, यहां से इधर, यहां से नीचे, इधर से ऊपर। अब यहां जाकर के फैक्ट्री में काम हो रहा है, खिचड़ 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 खिचड़, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कोई और एक और थॉट डाल गया, फिर चौथा, फिर दसवां, फिर हमने पूरी फैक्ट्री लगा डाली। अब वो थॉट ना यहां फंस गया, अब ना हम उसको बोलते नहीं है। अक्सर लेडीज के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़ाई है, झगड़ा है, बोल नहीं पाती। पति के साथ झगड़ा हो गया, घर में सास से हो गया, कुछ हो गया, वो विचार ना अब यहां से आ रहा है, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, वो यहां से बाहर निकलना चाह रहा है। हम हमेशा शेयर करना चाहते हैं। एक दुख है, मान लो यहां किसी के साथ बैठे, उसके कंधे पे हाथ रखा या उसने रखा और हमने प्यार से कुछ बताया, हम हल्के हो जाते हैं। शब्द दिए ना उस विचार को, साउंड आई ना, तो हम एक्सक्रीट कर गए, एक्सक्रीशन, फेंक दिया उस कूड़े को, बाहर निकाला, हा शांति पड़ी। त्यागना मींस अंतिम ब्रेथ, मर गए, एक्सेप्टिंग, अंदर ही अंदर। अब वो थॉट अंदर उबाल रहे हैं, यहां थ्रोट चक्र, यहां से बाहर नहीं आया तो बॉडी में नीचे चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में फंस जाता है। अक्सर लेडीज को कमर कमर से नीचे बॉडी टूटी रहती है। उसके लिए शीशे के सामने खड़े होके बोलो, छत पर जाकर हल्ला मचा के बोलो, उस कूड़े को बाहर निकालो, रॉन्ग नंबर डायल करो, हेलो सुनो। सुनने वाला कहेगा लेडी की आवाज है, शायद कुछ नंबर लग जाए, इतनी देर में बोल दो सब कुछ, फिर बोलो तुसी जलंधर वाले वीर जी बोल रहे हो, बोले ओ सॉरी, बोले मेरी भी सॉरी। मकसद कहने का है कि आप यदि ये चीज साउंड के द्वारा बाहर नहीं त्यागेंगे, वो साउंड आपके अंदर आइस बना देगी और वो आइस आपके विचारों को फाड़ देगी और आपके जीवन में वो कार्य होगा ही नहीं। इसलिए 24 घंटे जाप मत करो, हाय हाय हाय, होता क्यों नहीं, हो जाए, मुझे तो यही चाहिए। जितने लोग जीवन में एक ही चीज का 24 घंटे जाप करते हैं, उन्हें वो चीज कभी नहीं मिलती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मीरा, 24 घंटे कृष्ण 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 किया, कृष्ण नहीं मिले, वो कृष्णमयी हो गई, कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे उसे। 24 घंटे हाय हाय मचाओ, कभी नहीं। कैसे मिलती है सफलता? लॉटरी लगती है जब, भाई करोड़ों अरबोंपति बन गया एक बंदा, क्या होता है? लॉटरी तो लगती है, कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी, वाहेगुरु की कृपा, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो क्या हुआ, कृपा हुई ना, हमने क्या ढेला कुछ किया? तो कृपा के लिए क्या किया? कृपा के लिए सबसे पहले जरूरी, आपको बेवकूफ होना बहुत जरूरी है। कौन होता है, क्या करता है लॉटरी जीतने वाला, करता क्या है? करता क्या है? ढेला, सिर्फ टिकट खरीदता है, वो करता क्या है? तो लॉटरी तब लगेगी जब आप करोगे कुछ नहीं, ये गारंटी है। कौन करेगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला करेगा कैसे? जब ऊपर वाला और बाहर वाला एक फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। अंदर वाला पता क्या करता है? लालच, टिकट खरीदा मैंने 25 करोड़ का, शॉपिंग कर लेता है वो 25 करोड़ की लॉटरी का टिकट जेब में रखने तक 50 की कर लेता है, तब तक अंदर वो कर चुका होता है 50 करोड़ की शॉपिंग। इतना पागल है ऊपर वाला, इससे मैचिंग ही नहीं होती, सब हार जाते हैं। कितना ब्लैंकनेस चाहिए, हम पागलों की तरह लगे सारी दुनिया के आगे, मुंह छुमेट के ये करेंगे ये करेंगे। सादगी समाप्त, हाय हाय शुरू, सादगी लाइए जीवन में। क्या लाइए? शुरू, ऑपरेशन और अंत, गॉड, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करो किसी चीज को कभी ना कभी, पीछे पड़े रहोगे काम नहीं होगा। हम पीछे पड़े रहते हैं, हमारी कॉन्शियस जो ब्रेन होती है जिससे हम आंखों से देखते सुनते समझते सहते फील करते हैं, वो आउटवर्ड होती है बाहर की ओर, ये वेकिंग स्टेट है। जो खुली आंखों से जीवन चल रहा है बाहर की ओर, हम बाहर की ओर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को अंदर लेते हैं।
अंदर की ओर जाती है इंफॉर्मेशन, अंदर इंफॉर्मेशन जाते ही इमेजिनेशन शुरू, काम नहीं हुआ है, मजा आ रहा है। करीना कपूर ने जो फोन बेचा उसने नहीं बेचा, वैसे जो एड में है फॉर दैट मैटर कोई भी जो फोन पे फोटो लगा देते हैं, मैं ऐसे चलो किसी का भी नाम ले लेते हैं, शाहरुख खान ने बेचा, किसने बेचा, फरहान अख्तर को ले लेते हैं, उसने इंटेक्स के फोन बेचे हैं। अब उसने फोन बेचने के लिए बात की, थोड़ी देर में बंदे देख रहे हैं, ऐसी बॉडी बनाऊंगा, मिल्खा सिंह में थी ना इसकी, देखा ऐसी बॉडी चाहिए। लड़कियां कह रही वाओ डैशिंग, मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा होता तो कितना अच्छा है। इमेजिनेशन चल रही है इनवर्ड्स, अंदर नए थॉट्स कुकिंग, नई साउंड वेव्स जा रही है अंदर। अच्छा वो होगा कभी नहीं, इम्पॉसिबल है कि फरहान अख्तर जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो जाए, या उससे अच्छी बॉडी बना लेगा या उससे कम, सेम तो कभी हो ही नहीं सकता। बहू या तो बेटी से कम हो सकती है या बेटी से ज्यादा, बेटी तो कभी हो ही नहीं सकती। सास मम्मी से अच्छी हो सकती है या मम्मी से बुरी, मम्मी तो हो ही नहीं सकती। तो इमेजिनेशन इन वर्ड्स, ये ड्रीमिंग स्टेज है, ड्रीम्स। हमें ऐसी लत पड़ जाती है, जागे हुए तो देख ही रहे सपने, बच गए रात को भी देख लिए सोए सोए, ब्रेन की ट्रेनिंग है। आप एक काम करके देखें, आपको 20 लोगों से मान लो आधे घंटे में मिलना है, आप इतना स्पीड से मिलने लगेंगे 10वें बंदे के बाद, टाइम भाग रहा है जल्दी जल्दी जल्दी। उसके बाद अगर आपको कहा जाए ड्राइविंग करो, आप इतनी फास्ट गाड़ी चलाएंगे उस टाइम कोई सिर नहीं पैर नहीं, आप उस मोड में आ गए, आपसे गाड़ी फास्ट चलेगी। कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं एंटमैन देखने गया था, टाइम बहुत कम था, लास्ट के चार लोग तो 3.5 मिनट में निपटा दिए। मकसद एग्जाम्पल था वैसे तो उसके बाद गाड़ी इतनी तेज चलाई टिकट विंडो पे 20 मिनट पहले पहुंच गया। अच्छी फिल्म है, डिफरेंट कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, एंटमैन बोर नहीं होंगे, न्यू टाइप ऑफ सुपर हीरो, गुड मूवी। ये ड्रीमिंग स्टेज है। अब हमारे सपने समाप्त नहीं होते, वेकिंग स्टेज में देखे हुए सपने खत्म नहीं हो रहे, अगले दिन भी टेंशन, उसके अगले दिन भी टेंशन, फिर पता लगा अगला साल हो गया दिन की बजाय, अगले साल भी टेंशन, फिर उसके अगले साल भी टेंशन, फिर शीशा देख के थोड़े दिनों में पता लगा बाल सफेद हो गया, काम तो हुआ नहीं, आप झुर्री आ गई यार, कर क्या रहे, और हमारी औकात टके की हो गई। अब इसको हमें ब्लॉक करके बंद करना है, खत्म करो, दफा करो यार, काम नहीं होता। पावर ऑफ हाइड्रेशन खत्म हो गई, बॉडी में वो चीज ही नहीं रही, आत्मा में वो चीज ही नहीं रही कि हम अट्रैक्ट कर सके। क्यों? हम प्यार बहुत करते हैं, हमें प्यार चाहिए। हमारी लड़ाई क्या है? प्यार दो प्यार लो, कंडीशनल है लव, भाई साहब प्यार करोगे तो करेंगे, वो प्यार नहीं है, वो लेन देन है। हम जॉब में कहते हैं मैं फालतू मेहनत क्यों करूं, मुझे पैसे उतने मिलते नहीं। अच्छा जब जॉब मिली होती है तो ऐसे ऐसे जाके लेते हैं, बाद में कहते हैं मैं ज्यादा मेहनत की है। एक बच्चे को बाप ने देख लिया सिगरेट वाले दोस्तों के साथ, क्या सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बच्चे ने देख लिया, बाप ने मुझे देख लिया, उसकी जान निकल गई, वो और डर गया। अब वो बाप की वजह से डरा है, सिगरेट नहीं पिए, बाप गया दौड़ के जाके कान उमेठा पकड़ के दो धर दिए ताड़ ताड़, बदतमीज अय्याशी करता है। बच्चा पिट गया, बोला यार मार तो खाई चुका हूं तो पी ही लेता हूं। अब उसने जब पी, उसको लगा मैं वाओ, ये बाप को पसंद नहीं है और मैं कर सका, मैं बाप से बड़ा हो गया। देखिए मैसेज कहां जा रहा है, थॉट किधर जा रहे हैं, इमेजिनेशन। उसके बाद बच्चे ने जब जब पीना बॉडी किया, सबकॉन्शियस ट्यून्ड हो गया, ड्राइवर्स ऑफ द माइंड में हमारी सबकॉन्शियस की बात हुई है, सबकॉन्शियस ट्यून होगा, जैसे ही वो सिगरेट पीता है सोचता मैं बहुत बड़ा हूं, फिर वो टेंशन में पी रहा है। अब टेंशन में उसका पीएच वैल्यू डिफरेंट जा रहा है, क्लेश नीचे की ओर, सिगरेट पी रहा है, एंजॉयमेंट नहीं कर रहा, सिगरेट उसे खा रही है। फिर आता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अरे एंजॉय द सिगरेट, इट इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, योर थॉट इज इंजूरियस टू द हेल्थ। आप एंजॉय नहीं करना जानते, आप खाना खाते हुए एंजॉय नहीं करते, लेडीज ड्रिंक नहीं करती उनकी किडनियां उड़ जाती हैं, स्मोक नहीं करती बेचारी लंग कैंसर क्यों होता है, कोई बहाना नहीं है, पीने वाले पीपी के पागल हो जाते हैं, उन्हें कुछ होता नहीं, क्यों? आप यहां से उसका कर क्या रहे हैं, यहां के लिए सारे खेलिए। आपका पीएच कहां है,
डीप स्लीप पार्ट टू में हमने वाटर थेरेपी की एक्सरसाइज की है, आप किस विचार को लेकर के फूक मारते हो पानी में, वैसा ही चार्ज होता है, वही पीएच वैल्यू बन जाती है उसकी। आप जितना अच्छे विचार का पानी डाल, आप पानी लीजिए उसमें विचार डालिए फूक मार के गंदा, उसका कलर रेड निकलेगा या येलो निकलेगा या ऑरेंज निकलेगा। आप शांति वाला डालिए ग्रीन निकलेगा। सिर्फ पानी में फूक मारिया आयोडीन से टेस्ट कीजिए, पीएच चेंज हो जाएगा और असीम शांति का, सद्भावना का, कृपा का डालेंगे, वॉयलेट कलर तक आ जाएगा। वो पानी चार्ज होगा क्योंकि वो पानी नहीं है, वो हम है। पानी पिया, थोड़ी देर में पानी क्या बना, हम ही तो बन गया। हमारी मशीन कितनी उम्दा है, जो अंदर डाल दो वो बॉडी बन जाती है। तो हमारी बॉडी है क्या, पानी तो है। एक्चुअली पानी और सनलाइट है। जिस पेड़ में लगा हमने सेब खाया, वो सेब था क्या, बीज। बीज में सारे डीएनए एनकोडिंग है कि ऐसा फल निकालेंगे। बना कैसे, उसने क्या खाया, पानी पिया और सूरज खाया। क्या खाया उसने, और गाय का गोबर, वो कहां से बना, वो भी भोजन से, वो कहां से बना, वो फिर पानी और सूरज। बॉडी में जो फॉर्म डाल दो पानी सूरज का, वो बना देती है, कमाल की बॉडी। तो हम क्यों नहीं बना सकते अपने लिए कुछ भी, नौकरी बनाए ना अपने लिए, सीखो कला। पहले तो दिमाग लड़ता है, ऐसी की तैसी तुझसे को सीखे, हम तो सीखे सिखाए धक्के खा लेंगे। सीखो कला, शादी हो, सीखो कला, पति से सुख मिले या पत्नी से सुख मिले, सीखो कला, बॉडी सेट रहे। ये डीप साइंस है, डीप साइंस। इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे होता है, बंद, सारे थॉट बंद, स्यापा आउट, क्लोज इट। ये है डीप स्लीप। डीप स्लीप किसके पास होता है, डेल्टा ब्रेन। डेल्टा ब्रेन कितना है, 72% वाटर इन द बॉडी। आपके बॉडी का वाटर यूं छाले खाने के बजाय सरलता से चलेगा। जब आप शांति से चलते हैं, बॉडी एंटी एजिंग पर जाती है ऑटो रिपेयर। सोते हुए हम करते क्या है, रिपेयर ही तो करते हैं। रात को सोते हैं, मोबाइल को लगा देते हैं, ठुक, चार्ज हो जाता है सुबह सवेरे। सारी रात उस पर काम करो, चार्ज ही नहीं होगा। इस बॉडी को सारा रात काम कराते रहो, चार्ज कहां से होगी। इसको सुला देते हैं, ऑटो चार्ज हो जाती है, अगले दिन के लिए बैटरी सेट, फिर जब तक सूरज अंकल है, लाइट है, फिर चार्ज होते रहते हैं। ऐसे थॉट्स चार्ज क्यों नहीं करना सीखते, क्योंकि हम डीप स्लीप नहीं ले जाते। आज दफा करो, डीप स्लीप मींस ड्रीमलेस स्लीप। एक ड्रीम वाली स्लीप होती है, एक ड्रीमलेस, बिना सपनों की नींद, इमेजिनेशन खत्म, थॉट बंद, आइस गल जाती है अंदर की। जैसे ही आइस गलती है, अगले दिन सुबह हम भूलने की ताकत का बटन ऑन कर देते हैं। हमारी मेजर प्रॉब्लम, भूलने की ताकत खत्म। भूलना बहुत जरूरी। एक ही थॉट 10 साल से चल रहा है, उसे भूल के दफा करो यार, कुछ और करो, वो थॉट तुम्हारे पास आएगा पीछे पीछे। ये टॉपिक हमने जो समझना चाहता डिटेल, रिवर्स साइकोलॉजी समझिए, कि जो हमें नहीं चाहिए वो कैसे लें, क्योंकि जो चाहिए वो तो मिलता नहीं। इसका टॉपिक रिवर्स साइकोलॉजी है, डिटेलिंग के लिए, बाकी यहां भी बहुत इसी में पकड़ाएगा। यह है डीप स्लीप, यह है ब्रह्मा, यह है विष्णु, यह है महेश। समाप्त। शिव क्या करता है, शिव, जिस शव में ईश्वर है वो शिव है, यानी शिव है जीवन। और शिव क्या करता है, जीवन को ट्रांसफॉर्म, अग्नि तत्व भस्म कर देता है। भस्म मींस स्वरूप बदल डालना। तो जीवन पुनः नए तरीके से, अपने दिमाग के नॉनसेंस थॉट्स को भस्म करो, कैसे, शिव से। क्या आएगा वो शिव का शब्द, ओम, ओनली विद ओम। सिर्फ ओम की चैंटिंग, आपको एंगर है ओम चैंट कीजिए, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज खत्म, नहीं न्यूट्रल, हमें न्यूट्रल करना है। एंटी एंगर से डिप्रेशन आएगी, आए गुस्सा नहीं हो रहा, प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे अधिकार क्षेत्र का, दुनिया खा जाएगी आपको। आप में कॉमन सेंस आएगी, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है। एक लड़की को मां बाप ने बहुत पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख करके रानी बिटिया 1-2 लाख महीने कमाने लगी। अब उन्होंने भाई बड़ा योग्य वर चाहिए इसके लिए, भाई 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला लड़का ले लिया, बोले मजा आ गया, कोई कमी नहीं। हस्बैंड ने एक दिन प्यार से बोला, भाई अपने हाथ से भी कुछ खिला दे कभी। बोले मारे घर बनाना तो कुछ आता नहीं। पर पति ने बोला, यार आज मेरे लिए तो मतलब पार्टी हो गई, पिकनिक। अगर हम राजस्थान जाएं, एग्जांपल ले रहा हूं,
और पता लगे कि गांव में है जिसमें 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, तो हम कहेंगे वाह हम भी चलेंगे कुएं पर, क्योंकि हमारे लिए तो पहली बार है ना, पार्टी टाइम। जो लेडीज रोज घड़े लेकर बेचारी जाती हैं, उनसे पूछे कोई नर्क है, बोले पानी पीने को नहीं मिलेगा, इसके बिना मर जाएंगे, नहीं तो जाए ना हम भी कुएं में डूब जाए। अब हम जा रहे हैं 2 दिन, वाह मजा आ रहा है यार, यू नो व्हाट मैंने क्या किया यार, कुएं पे गया 2 किलोमीटर दूर, भाई पानी लाते थे वहां से, बड़ा मजा आता था। तो उसने बोला आज खाना बनाऊंगी। अब उसने एक पाक कला की पुस्तक उठाई, आप तवे को गैस पर रखें, रख दिया, अब आप थोड़ा सा जो भी आटा जो भी उसने बनाना था ले लिया, रवा ले लिया, डोसा इडली बनानी थी ये ले ले, ले लिया, तवे पे रख दे, डाल दें, अब थोड़ा सा पानी डाल दें, अब थोड़ा तेल डाल दें, अब आप उसको धीरे धीरे हिलाएं, 20 मिनट में तैयार। अब वो हिलाती रही हिलाती रही हिलाती रही, 20 मिनट बाद खाना बनाएंगे। बोले यार समझ नहीं आया ये क्यों, क्योंकि उसमें लिखा ही था गैस तो जलानी है, किताब से आगे पीछे कॉमन सेंस ही नहीं है। कॉमन सेंस मींस अपने आप पता चल गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन से पता चल गया, बीज को कॉमन सेंस है, पानी और दे दो भाई और वो दे दो, अपने आप को कॉमन सेंस है, तो कोई पढ़ाता नहीं सिखाता नहीं है। पंखा कॉमन सेंस लगाता है, इधर ही घूमना भाई, अब पंखा थोड़ी देर में बोले या नीचे बैठे लोगों को ठंड लग रही है, अब वो उसे कम करे तो खुद करे, नहीं तो क्या करे, खुद ही जाम हो जाए, चक्का जाम और खत्म। ज्ञानी आदमी इधर उधर रिक्शों पे देखते नहीं होंगे जाते हुए, सिर्फ ड्राइविंग करते होंगे। बधाई हो बधाई हो। अब तो पार्टी बनती है, वो अलग बात है, बनती है लेकिन करनी नहीं है। तो ये कॉमन सेंस आपको तब बैठेगी जब आप अपने जीवन में साउंड के द्वारा इसे डिसॉल्व करना सीखोगे। वो बर्फ, वो आइस, वो जमे हुए थॉट्स आपके डिसॉल्व होकर वापस वाटर बनने चाहिए। यू विल लूज नथिंग। आपका हर थॉट, हर चीज आपको प्राप्त कराएगा ईश्वर। ओम को अंदर जानिए, ओम किधर आता है। ओम अकेला मंत्र है जो 3 शब्दों से चलता, अ वेकिंग स्टेज जागृत अवस्था, यू डीप स्लीप, एम म ड्रीमिंग स्टेज, फिर डीप स्लीप, म इज डीप स्लीप, और उसके बाद साइलेंस, बिंदु, जीरो। जीरो पे रहना हमें, हम जीरो की क्लासेस कर चुके हैं। जीरो इज कुछ नहीं, कुछ नहीं सब कुछ। इस इल्यूजन से दूर किसी हालत में रहना ही रहना, यह है माया। ओम का अलग हम कर चुके हैं पहले टॉपिक, बट डिटेलिंग फिर कभी एक बार और करेंगे। यही हमारे पंचभूत तत्व हैं, भूमि गगन वायु अग्नि तेज, वो भी यही है। ओम में एवरीथिंग इज देयर। इसलिए ओम का उच्चारण कीजिए। पहले आप करिए ओम, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, हम देखते हैं आप कितना पकड़ पाते हैं। सीधा सिंपल बैठिए, नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे, योगिक ब्रीदिंग, सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर, बिल्कुल नॉर्मल। आंखें बंद करेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट लगेगा, क्योंकि 80% साधना सिर्फ आंखें बंद करने से ऑन हो जाती है। मुंह से बोलकर उच्चारण करना चाहिए अगर बैठे बैठे नींद आने लगे, क्योंकि बिना शब्द के हम अक्सर सो जाते हैं। मुंह से शब्द करेंगे ओ, ओम।
अब इस ध्वनि को बिल्कुल धीमा रखेंगे और अंदर जाएंगे, निकली कहां से थी आवाज, वहां पर अटेंशन डालेंगे, विचार आपका वहां जाएगा, थॉट जहां से विचार आवाज ये ध्वनि निकल रही है, और देखेंगे कि ये आखिर कहां जा रही है, शुरू कहां से हुई, अंत कहां से, ये शुरू होगी आपके नाभि से और अंत होगी सिर में कहीं, आरंभ से अंत देखिए, ऑब्जर्व करेंगे धीमा बोल के। अब बिना उच्चारण के सिर्फ थॉट में शब्द लेंगे जिसमें नाभि से शुरू होगा और दिमाग में बोलेंगे ओम, ये मानसिक जानना कहां से ऑन हुआ, ये आपकी बॉडी में नेवल से शुरू होगा बल्कि उससे भी नीचे रूट चक्र से भी आता है, ये पूरा सिर तक हेड तक जाएगा, सातों चक्र इसी क्षण अलाइन हो जाएंगे, आपके बॉडी की प्योरिफिकेशन आपके सातों चक्र ऑटोमेटिकली करेंगे, ये ध्वनि मात्र इसको धो डालेगी, बीमारियां आउट, और जो जो विचार मन में है चीज चाहने के उसकी प्राप्तियों का द्वार अपने आप खुल जाए। विश्राम कीजिए, ओम, हाथ रगड़कर आंखों पर लगा लीजिए, ये जितनी वाइब्रेशंस आपने ली है वो हृदय चक्र से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो और नीचे मैग्नेटिक इकट्ठा होकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई है, जो हाथ एक्सटेंशन है हमारी हार्ट के, यहां चार्जिंग होती है, ये एंटीनाज है जिसके थ्रू आंखों तक दिया जाता है, आंखें हमारे ब्रेन का अकेला नेकेड हिस्सा है, बाकी सारा ब्रेन सील्ड है, तो ये सारा विचार ब्रेन तक पहुंचा है, ये ब्रेन की धुलाई के, ब्रेन इस शैतान को धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये खराब होके हार्ट अटैक दे देता है, हार्ट अटैक देने वाला व्यक्ति यहां बैठा है, और इसको खराब करते हैं थॉट्स, वो थॉट जो सालों साल सालों साल सालों साल पानी की बजाय पत्थर बन जाते हैं, पत्थर रूपी पानी इज बर्फ, जो हमारे सात चक्र होते हैं उनके कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? जो आपने पहले भी बात करी थी कि जो थॉट अटक जाता है इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वॉइस एंड दैट लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स, तो ये जो एक्सरसाइज है ये उस आइस को पिघला के वो उस नॉर्मल स्टेट में ला सकता है। 100% ये आइस को अपने आप जो हिडन है, जो हिडन आइस है आप भूल गए, आपने पिछली क्लास की थी उसमें आपने देखा था मनोमय कोश हो जाए तो तीसरी शीत है हमारी, मन में आई हुई कोई क्लेश कई साल रहते हैं मन में, जिस दिन हम ये कहते हैं ना शुक्र है चलो ये क्लेश ठीक हुआ ये बीमारी ठीक हुई, वो आगे ट्रेवल करता है प्राणिक बॉडी, आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाएगी, जिस दिन आपने शुक्र मनाया ठीक हो गया अब तक वो अंदर दिमाग को खराब कर रहा है, उसके बाद इमीडिएट बॉडी पर आएगा, आज आपकी बॉडी पर जो बीमारी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि दिमाग खराब हो चुका कई कई महीने या कई साल उसकी वजह से, अब बॉडी पर है, अब डॉक्टर उसमें इंजेक्शन लगा रहा है दवाई ठोक रहा है, जड़ कहां है वो मन में है, बुद्धि तीसरे कोश जिसके पीछे इमोशनल है जिसके साथ ईगो है, पिछली क्लास की थी डिजीज वो रेफर कीजिए फिर, अगर सारी डिजोल्विंग ओम से हो जाएगी मात्र ओम, बहुत चीजें इसमें लेकिन इतनी सारी बताने का समय नहीं, आज ये लेते हैं फिर कभी आएगा। हाँ जी, वही बोलना है अंदर सांस लेके बाहर, जब हम ओम रखते हैं यस यस यस, सांस आपका नीचे से ऊपर जा रहा है वो वाला ओम बोलना है, ये जानेंगे उल्टा वो मार देगा, सही योगा ना किया जाए मार देता है, सही योगा तार देता है, सारा खेल ब्रीदिंग का है, ये प्राणमय कोश होता है हमारा प्राणिक बॉडी, इसमें हम इसकी सेटिंग करते हैं शंख के द्वारा, आप जब शंख बजाते हैं, शंख जिसने बजाया उसे पता चलेगा, शंख बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो नीचे से उठती है, धीरे धीरे पेट टाइट होता है, चेस्ट टाइट होती है, गला टाइट होता है और सारी बाहर, ये आपके सारे चक्र ही हील होते हैं, और वायु रूप में जो नेचुरल साउंड निकलती है, तीन गुण होते हैं सतोगुण तमोगुण रजोगुण, सतोगुण को हमेशा रजोगुण और तमोगुण रोकता है, इसकी क्लास हमने पहले की है इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन,
ये तीनों गुणों की करेक्शन में सिर्फ सतोगुण सर्वाइव करता है और रज और तम मर जाता है शंख ध्वनि से। घंटी बजती है ना मंदिरों में बजाते हैं, ये मैग्नीशियम जिंक कैडमियम और बहुत सारी मेटल को बना के बनती है। इस घंटी की स्पेशलिटी होती है जब घंटी बजती है टन तो उसकी ध्वनि चलती है 1 2 3 4 5 6 7 सात सेकंड के लिए, ये सातों चक्र पे टक 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 अटैकिंग के लिए। स्वर की ध्वनि सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको खोलने के लिए। आपकी सरगम खुल जाती है, आप परेशानी में बात कीजिए, गुस्से में बात कीजिए, आप बोलेंगे आपके शब्द बिगड़ जाएंगे, क्रोध में कुछ का कुछ बोलेंगे, मुंह से थूक निकलने लगेगा, क्योंकि अंदर के सारे चक्र डिस्टर्ब हो रहे हैं। अंदर एक तूफान सुनामी मच जाता है एंड यू बेसिकली डिस्ट्रॉय योर ओन बॉडी। अब घबराहट में सांस रीड कीजिए, सांस उल्टी चलने लगती है, आपके स्वर चिंता के बॉडी का सत्यानाश अंदर बैठी आइस कर देती है। बॉडी क्या है? एक ये बॉडी और इस बॉडी के द्वारा बनाने वाली और एंजॉय करने वाली चीजें, ये मकान, ये गाड़ी, ये पैसा, ये बॉडी ही तो है, संसारिक चीजें। मजे की बात, हमें ये जिंदगी सिखाती है, रोज रोज सिखाती है, जो कुछ भी यहां से हम ले कुछ नहीं जा सकते, और रोज उसी का रोना है। मैं मर गए तो बॉडी बन गए, मैं उसके बाद क्या होगा, बढ़िया से मरे कैसे, ये नहीं सोच के राजी। मरने से पहले सड़े कैसे, कुड़े कैसे, रोए पीटे कैसे, जलन कैसे करें, कंपैरिजन कैसे करें, 24 घंटे मेरा बच्चा शहंशाह बन जाए, अरे क्यों बने, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, अरे क्या उससे क्या होगा, मैं लोगों को नीचा दिखा दूं उससे होगा क्या, एक दिन आपने सबको नीचा दिखाया फिर क्या होगा, फिर तो पिक्चर खत्म हो गई, फिर क्या मजा रह गया, फिर आप उनको तंग करना शुरू करोगे। ये जेन्युइन है, जो पति पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं एक दिन हो जाता है जी फिक्स हो गया, उसके बाद वो लड़ मरते हैं, फिर वो और कूट कूट के हड्डी पसली तोड़ते, क्या मजा नहीं आ रहा यार, जीत नहीं हो रही। पैसे के साथ यही होता है, 1 लाख रुपए तक आया बड़ा अच्छा लगा, 2 आए बहुत मजा आया, 3 आए आनंद आ गया, 4 आए बीमारी आ गई, 5 आए दुश्मन भी आ गए, 6 आए अपने बच्चे दुश्मन हो गए, कहने लगे कब मरेगा बुड्ढे, जायदाद चाहिए। एक लिमिट तक सांस आने दो, एक लिमिट तक फ्रूट खाओ, एक लिमिट, वो लिमिट क्या है, जब आइस ब्रेक हो जाए। आइस ब्रेक मींस आप कुछ भी इजीली बुला सकते हो, आपके अंदर भूलने की अपरंपार और कमाल की शक्ति है। जो लोग भूल नहीं पाते उन सबको ही शुगर और बीपी होता है, क्लेश स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, एक ही चीज रोज पिट रहे, भूलने की शक्ति का बटन ऑफ क्योंकि आइस बन गई है, रोज एक ही गाना गा रहे, असल में देखें सफलता कहां है, है ही ठेंगा, और रोज रो रहे, उसको शांत करो। थॉट की फ्रीक्वेंसी को शब्द की फ्रीक्वेंसी से मिलाना है, उतना ही सोचना है, कमाल की बात है। पर होता है जो लोग करते हैं वो मौज कर रहे हैं, ज़करबर्ग जैसे बैठे हैं, उन्होंने किया क्या है, अरे कृपा ही नहीं छोड़ रहा ईश्वर देना, ये विज्ञोर बनता है, वॉयलेट इंडिगो एंड सो ऑन, जो हमने कलर बताए, ये कलर सचमुच में बनते हैं पानी के, और इस कलर वाला पानी ज्यादा फायदा देता है, इसका नुकसान, ये एक्चुअली होता है, इसलिए कलर है नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, प्रूवन है, आंखों देखा प्रूवन है, साइंटिफिकली केमिकली प्रूवन है। अब इसमें आप देखेंगे मुख्य क्या चलता है, इसमें चलता है मुख्य ये कलर, रूट चक्र रेड, सबसे खतरनाक, मैं, ईगो, मेरा, लालच, लोभ, लस्ट। यदि हम लस्ट की पूजा करते हैं ना तो शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग इज लस्ट, पुरुष का लिंग स्त्री की योनि, शिव का लिंग माता की भग में स्थापित, यह शिवलिंग है, यह है रूट ऑफ लाइफ, रूट जड़ है ये, इससे पैदा होते हैं, यह है रूट चक्र, सारा खेल इसका है। यह रूट चक्र जब येलो से मिल जाता है, येलो कहां है, पेट में, मणिपुरा चक्र जहां भोजन डलता है, 7 चक्र अपने आप कनेक्ट कीजिए, 1 2 3 3 यहां, 4 5 6 7 ऐसे आएंगे, हार्ट चक्र आ गया आपका 4th, इसके नीचे 3, हार्ट चक्र के ऊपर 3, ये ग्रीन आपका हार्ट चक्र है।
जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाता है बाहर अंतरिक्ष में, और ईश्वर हमें वो चीज देता है करके जो हमने चाहा। जिन लोगों को आता है करना दिल से कैसे फील करते हैं उनका हो जाता है, जिनके फीलिंग में फियर है, फियर मीन्स ये साथ, ग्रीन के साथ रेड मिक्स नहीं होता, कोई कलर नहीं है, येलो के साथ रेड मिक्स होता है, जो हम खाते हैं, खाते मीन्स भोगते हैं, भोग खाया पिया मजे किए, इन दोनों का कनेक्शन है, येलो और रेड, ये बीच में ऑरेंज दे देता है। ऑरेंज कलर का क्या कलर है, येलो प्लस रेड इज ऑरेंज, यानी हमारे मैं भी है, आई ब्रेन, आई ब्रेन की डिटेलिंग हमने की है, कैंसर एंड आई ब्रेन, कैंसर तक उड़ाया जा सकता है सिर्फ आई ब्रेन के द्वारा, ये ब्रेन हमारा साथ चलता है, यानी विचार चलता है जीवन को जीने का, एग्जिस्टेंस का, सर्वाइवल का, कि हम जी के रहेंगे, जीना जीना है मरना नहीं। हम क्या करते हैं, रोज मरते हैं, आए काम नहीं हो रहा थोड़े से मर गए, आए रो रहे हैं, रोना 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 रोना, मन मर जाता है, आत्मा फट जाती है धीरे धीरे, शरीर को छोड़ के भाग जाती है, ये तो कुड़ता ही रहता आदमी, ऑरेंज कलर बन जाता है। जिस दिन ये कलर बन जाता है, यहीं से हमारी प्रोक्रिएशन है, यहीं से संतान होती है, यही कलर जाकर के मिक्स होता है ब्लू से। ब्लू क्या है, आकाश, आकाश आसमान में देखिए नीला है, एंडलेस है, जो जीवन में एंडलेस सप्लाई है वो नीले रंग की होती है आकाश। ये कहां होता है, थ्रोट चक्र। ओशन का कलर देखो, नीला नहीं होता, दिखता नीला है, आकाश नीला नहीं है, दिखेगा नीला। नीला क्या है, नीलकंठ, शिव का गला, विष। ये थ्रोट चक्र किससे अटकता है, लाइज, जीवन में झूठ बोलना या गलत बोलना या वो बोलना जो सोच नहीं रहे, जो आज हमने टॉपिक में बात की है, सोच कुछ रहे बोल कुछ रहे, सोच कुछ रहे नीचे फेंक दिया, शरीर का नाश कर दिया, बोल नहीं रहे हैं। जैसे ही हमें लेते हैं विष आ जाता है जीवन में, अगर ये नहीं लेते आकाश बन जाता है अनंत सप्लाई। बोल देने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, सच का सामना बोलना बड़ा आसान, सुनने वालों के लिए कठिन। सच का सामना उन लोगों के लिए है जो सच सुन सके, बोलने वाले में ताकत है तो तबाह कर देता है, सब उसे फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं। साउंड की वाइब्रेशन की इतनी कमाल की शक्ति है, यदि आप जीवन में सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, हर बात का आधा आप सिर्फ सुन के समझ जाते हैं। आप डिस्कशन कर रहे हैं अगर, तो हर बात का एक चौथाई हिस्सा आप सिर्फ डिस्कशन से समझ जाते हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो आप तीन चौथाई समझ जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा आप तब सीखते हैं जब आप बोलते हैं। जब बोलते हैं क्या होता है, एक आवाज यहां से जाती है और एक अंदर से, एक्स्ट्रा समझ आता है। आप देखेंगे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं बच्चों को, बोलते हैं कि मां बाप ऐसा भौंदू सा था पापा, तो इसका समझ नहीं आया, इतना बोलता कहां से ये? बोलते हैं बच्चा इतना बोलता है, इतना बोलता है। अजी कई बार तो ऐसी ऐसी बातें बोलता है हमें समझ नहीं आता, वो जवाब क्या दें। जब हम बोलते हैं तो हम एक फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं, अपने आप आंसर आते हैं। हम बोलते नहीं, उल्टी करके राजी नहीं। अगर आप बोलते हैं तो ये साउंड वेव्स आपकी बाहर दो तरीके से जा रही हैं। आप सीख भी रहे हो, सिखा भी रहे हो, उसी टाइम नया आ जाता है। इसे कहते हैं बकवास करना। सर, जो बच्चों को जैसे हम कई बार बोलते हैं कि बोल के याद करो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है? शुरुआत में हमेशा बोल के करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की सुनने लायक शक्ति देर से डेवलप होती है, हमें अनजाने में भी पता नहीं होता, वो अनकॉन्शियस ब्रेन का काम है। अनकॉन्शियसली सुन तो समझ तो हम रहे हैं। वो सेकंड स्टेज पर है, पहले बच्चे को बोल बोल के प्रैक्टिस कराई, फिर मानसिक। कई बंदे बोलते ही आते हैं, करते कुछ नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, अंदर थॉट में अलग ही फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए, गुप्त रखो। सर, वो चीज नहीं मैं कह रही, जैसे बच्चों को लर्निंग के लिए जैसे याद करते हैं, जैसे बच्चे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक चीज है और बच्चे ने लर्न की, मैं बात कुछ और बोल रहा हूं। बच्चे ने कभी सीखी भी नहीं, किसी ने सिखाया भी नहीं, पर सिर्फ बोल रहा है अपने आप, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं हमारी बॉडी में डीएनए के, एंटी एजिंग थ्रू कॉन्शियसनेस एंड डीएनए की टॉपिक आपने किया है वो, जिसमें मैंने बताया था कि अपने आप कहां से ज्ञान आ जाता है, पढ़ के सीखना अलग बात है, ये सीखा किसी से नहीं, अपने आप ही आता है, नेचुरली आ गया। खाना बनाना नेचुरली, काम करना आ गया, जब ये नेचुरली आ गया तब की बात हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बोलो। और चौथा, पूर्ण जीवन में शिक्षा मिलती है जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके लिए गुरु भी बहुत हेल्प करता है।
तो लास्ट करेंगे हम, टॉपिक एंड करते हैं इसका, क्लास लंबी जा रही है। ये रेड और ब्लू ये दोनों मिक्स करके बनाते हैं पर्पल। पर्पल के दो शेड है, एक इंडिगो है और एक वायलेट है, इसलिए रूट चक्र नहीं जाता कहीं, सिर्फ ग्रीन, ये अलग है। जी फॉर गुरु, जी फॉर हार्ट चक्र, ग्रीन कलर। सारी दुनिया में ग्रीनरी है, जहां ग्रीनरी होती है वहां स्वास्थ्य रहता है, इसलिए लव एंड लेट लव। खुद को भी प्यार करने दो, दूसरे को भी प्यार करो। हम ना खुद को प्यार करने देते दूसरे से, ना खुद प्यार कर पाते। हम सारे टाइम लड़ते हैं, मैं तब प्यार करूंगा अगर तुम करोगे, मैं तब ध्यान दूंगा अगर तुम दोगे। वो डील खराब हो जाती है, वो रूप चक्र पे चली जाती है। अक्सर लोग आंखें बंद करते हैं तो कलर आता है मुख्य, या येलो टाइप आएगा, येलो इज ग्रीन भी आ सकता है, या पर्पल आएगा। पर्पल में ये दोनों कलर अलग अलग करने का समझ एक अलग चीज है। जिसको ये कलर अलग करना आ गया उसका इंडिगो जाएगा, ये जाएगा यहां पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। जिसको ये आ गया वो पाइनियल थर्ड आई से ऊपर। मतलब कोई आपको प्यार करे या ना करे, आपको करता है। नहीं, आपको कोई प्यार करे ना करे ये जजमेंट लेने का आपको अधिकार ही नहीं है। अगर आप इस लायक है तो दूसरा करेगा, आप लायक नहीं है तो नहीं करेगा। उसकी नजर में आप लायक या नालायक वो डिसाइड करेगा। आपको प्यार नहीं करना है मत करो। आपको प्यार करने की जरूरत क्या है किसी को? किसी को भी किसी को प्यार करने की जरूरत क्या है? सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमें चाहिए। ये तो बेकार की बात है, हम प्यार करते हैं। कोई इस लायक होगा आप टूट के प्यार करोगे उससे, गुणी व्यक्ति होगा जिसमें उसको आप प्यार करने को मजबूर हो, वो करवाएगा ही नहीं आपसे, आप खुद करोगे। आपकी एनर्जीज कितनी वीक है ये डिपेंड करता है किसके आगे आप गिर गए। गुरु के आगे गिर गए सही हाथों में हो, बेवकूफ के हाथों गिर गए बर्बाद हो जाओगे। प्यार व्यार कुछ नहीं करते हम किसी को, ये बकवास है बिल्कुल कि हम इसे प्यार करते हैं। प्यार क्यों करता कोई किसी को? हम बच्चे को भी प्यार नहीं करते। मजा आता है बच्चे को प्यार करने में, क्योंकि वो अपने नन्हे नन्हे मासूम एक्शन से, बातों से, नन्हे हाथों से हमें स्पर्श देता, आनंद देता है, और मैं तेरा हूं ये एहसास। जिस दिन बच्चा भी एहसास नहीं देता ना, माँ बाप भी कहते दफा हो, पैदा ही क्यों किया था। प्यार तो एक छलावा है। लव की क्लास बहुत पहले की थी हमने, वो यूट्यूब पे नहीं है, फिर कर लेंगे समय रहा तो। एनीवेज, साउंड को समझिए, अंदर की वाइब्रेशन सेट कीजिए। सारा खेल आपके थॉट्स को किल करने का और संभालने का है। ये एंडलेस चल सकती है क्लास, लेकिन समय अभाव है, करना ही पड़ेगा बंद। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास पूरी करते हैं। हम आने का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।